आजकल एक साहब बहुत वायरल हुए हुए हैं जिनका नाम मोहम्मद अशेख है और ये साहब अदीस का इनकार करते हैं मुकम्मल तौर पर मोहम्मद शेख साहब का एक जो मुनाजरा हुआ था मुफ्ती अब्दुल साहब के साथ वो काफ़ी वायरल हो गया बग़ैर तैयारी के ऐसे लोगों के साथ जाके बैठ जाते हैं जो रवायत से हटे हुए हैं और उससे फिर उन लोगों की दावत को फ़ायदा पहुंचता है यानी आदम से लेके आखिरी इंसान तक मोहम्मद और रसूल हर उस शख्स के ऊपर उतरते रहेंगे जो अल्लाह के कलाम को समझने की कोशिश करता है और वो मोहम्मद रसुल्ला कौन है वो रूहुल अमीन है रूहुल अमीन कहना रोहल कदुस है वो कौन है वो जिब्रील है जिब्रील कौन है वो आयात का एहसन्स है जो आपको समझ में आ रहा है कुरान आया कहाँ से कुरान आया कहाँ से अगर हम इनकी बात आखिर किसी इंसान के ऊपर तो नाजिल हुआ ना ये असल में कहते हैं कि जी कुरान बस आ गया जिसको अरबी आती होगी वही समझेगा ना कि क्या हो रहा है अल्लाह के कुरान के साथ क्या हो रहा है और कुरान जिन्होंने को टुकड़े-टुकड़े कर दिया मुझे तो वहां मोहम्मद शेख नजर आ रहा है किताब आई से ये थोड़ी के बस आ गई थी हाँ, ये, आ ये, ये तो कोई जवाब नहीं जबाद ना।, जबाद ना ये ऐसे सी है मेरे दिल पे जो इल्का हो रहा है ना जो नजूल हो रहा है कुरान का वो तो ये है कि मोहम्मद शेख तो फितना है नाज्रन कर आज कल एक साहब बहुत वायरल हुए हुए हैं जिनका नाम मोहम्मद अशेख है और ये साहब अदीस का इनकार करते हैं मुक़म्मल तौर पर उसकी हैसियत को मानते नहीं और इन साहब का कहना है कि अगर कोई मानने की चीज़ है तो वह सिर्फ़ क़ुरान मजीद और उसी को बुनियाद बना के ये बहुत सारी बातें करते हैं तो आज हम डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद ज़ुबैर साहब के साथ उन तमाम बातों का जिक्र करेंगे और वन बाई वन देखेंगे कि वो क्या कहना चाह रहे हैं कुरान से मुतक़ डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू द शॉप जी वालकम्सम जजाकमल्ला डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया अल्लाह आपको खुश रखे माशाल्लाह से अच्छा मोहम्मद शेख साहब जो हैं चूँकि मेरे पास भी काफ़ी ज़्यादा क्यूरीज़ आ रही थी लोग काफ़ी मुतजस थे इन के बारे में ये कोई दो तीन मरतबा वायरल हुई है वैसे तो इनकी फ़िक्र ऐसी नहीं है कि आम लोगों को समझ में आए ठीक है जो लोग इनसे ऑनलाइन भी सवाल कर रहे होते हैं वो भी उलझे होते हैं कि जी बात समझ नहीं आ रही कहना क्या चाहते हैं <laughs> खैर तो थोड़ा सा कंफ्यूज पर्सनैलिटी भी है मोहम्मद शेख साहब का एक जो मुनाजरा हुआ था मुफ्ती अब्दुलपाकी साहब के साथ वो काफ़ी वायरल हो गया उसमें मुफ्ती साहब कमज़ोर पोजीशन पे नज़र आते हैं नो डाउट उसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ जो उलमा हैं वो अगले का पूरा फ़िक्र समझ के पढ़ के नहीं जाते जी। और अपने एक उस एतमाद में कॉन्फिडेंस में कि हमें बहुत कुछ आता है अगला तो जाहिल अनपढ़ है और उसके साथ जाके बैठ जाएंगे और फिर जो है ना जब पढ़ला अगले का भारी हो जाएगा तो अगले की वाह वाह हो जाएगी कहने का मतलब ये है कि हमें हम ये देखते हैं कि हमारे बहुत सारे लोग बगैर तैयारी के बगैर तैयारी के ऐसे लोगों के साथ जाके बैठ जाते हैं जो रवायत से हटे हुए हैं और उससे फिर उन लोगों की दावत को फायदा पहुंचता है तो इनको कोई सुन ही नहीं रहा था आप मेरी बात समझ रहे हैं इनको कोई सुन ही नहीं रहा था मतलब ये तो एक जिसे कहते हैं ना न सम मनसिया भुलाई गई एक पर्सनैलिटी थी जी जी मोहम्मद और ना ही इनकी बातें किसी को समझ में आती थी तो वो एक मुफ्ती साहब के साथ क्या मुनादरा हुआ उसके आप व्यूज देखें इनकी आम वीडियोस भी व्यूज़ देखें और उसके व्यूज आप देखें वो कोई आठ लाख के करीब है उस अच्छा, एक वीडियो के जी जी। और इनकी किसी वीडियो पे आपको इस तरह से व्यूज नजर नहीं आएंगे यानी आम व्यूज अभी जो मैंने खोली हुई है तो कहने का मकसद यह है कि इनके इतने व्यूज़ नहीं थे एक तो यह है कि वो मुफ्ती साहब ने इनको वायरल करवा दिया मुफ्ती साहब सबब बन गए हाँ दूसरा अभी पिछले दिनों इन्होंने कोई जो है ना वो कादियानियों के हवाले से इनकी एक वीडियो आई थी एक कादियानी जो रब्बी थे उनके साथ उसमें ये बाहिर नज़र आ रहा है कि जी ये खाले आ है उस कादियानी के ऊपर उससे यह वायरल हो गया इसी तरह एक परवेजियों के साथ कोई इनकी वीडियो जो है वो वायरल हो गई कि जी गुलामत परवेज के साथ तो हमारे यहाँ मुनाजराना एक आप कह लें कि जी लोगों की नफसियात है तो लोग ऐसी चीजों को ज्यादा देखते हैं जी जी लोग पसंद हाँ, करते हाँ मुनाजरे का रंग होता है तो इस वजह से ये इन चीजों ने इनको वायरल कर दिया हम ये कह सकते हैं तो खैर कहने का मकसद ये कि इन मुनाजरों ने इनको वायरल कर दिया एक तो मुफ्ती अब्दुल बाकी साहब दूसरा वो अहमदी मुरबी और तीसरा जो है अच्छा इसमें भी कई लोगों ने मुझे बाद में कहा कि हमने तो ये समझा कि ये कादियानियों का क्या कर रहे हैं जी, जी रद्द कर रहे हैं तो ये समझ के हमने सब्सक्राइब भी कर दिया बाद में जब दो चार और वीडियो आई तो हमें तो पता चला कि ये तो कोई और ही तरफ जा रहा है मौका अब बात समझ बिल्कुल बिल्कुल तो हुआ यही है कि इनको जो सब्सक्राइबर भी मिला है अभी भी आप देखें दो चार दिन पहले इनका क्या सब्सक्राइबर था और अचानक बढ़ाया बढ़ उसकी वजह यही है कि वो लोग ना रवा रवी में देख के कादियानियों से जीत गए गोया तो ये तो मतलब बंदा कोई बहुत मजबूत किले वाला है और सही व लकीदा है तो लोग इस रवा रवी में सब्सक्राइब कर देते हैं फिक्र तो खुद ये समझाने में भी मतलब कन्फ्यूज है अपने तौर पे भी कंफ्यूज उसकी वजह कि फसी उल्लिसान नहीं है हर बंदा ऐसा नहीं होता कि वो फसीिसान हो यानी जो चीज़ उसके अंदर हो वो अगले तक उसको कम्युनिकेट कर पाए ऐसा नहीं होता हो फीलान ऐसा है ऐसा नहीं मैंने इनकी पुरानी वीडियोस भी निकाली हैं ये अभी जो मेरे सामने है ये ये जो मौजूद है इसको अगर हम स्क्रीन पे भी दिखा दें ये 2002 हज़ार दो के इनकी वीडियो है काफी पुरानी मतलब 20 साल तकरीबन पुरानी ठीक है ये सात लेक्चर्स हैं इनके ये मैंने पूरे सुने अच्छा तो अब इनकी बुनियादी तौर तो पे जो फ़िक्र है ना अगर हम इनकी फ़िक्र के ऊपर आए एक तो ये कि हमने बात की कि जी बात समझाने में वो इतने अच्छे नहीं है तो इसलिए लोगों को समझ नहीं आती तो फितना दबा हुआ था लेकिन वो मुनादरे की वजह से थोड़ा वायरल हो गया तो सब्सक्राइबर मिल गया और वीअरशिप बढ़ गई और लोगों का रुझान हो गया तो इसलिए लोगों ने ज़्यादा सवालात करने शुरू कर दी कि ये क्या कह रहे हैं कुछ हमें भी बताएं कहना क्या चाहते हैं अच्छा पहलू तो ये है कि ये लोगों को नहीं समझ आ रहे हैं <laughs> ये अच्छा पहलू हमारी नज़र से अच्छा पहलू लेकिन फिर भी बात यह है कि एक बंदा बार बार बीस साल से एक बात रिपीट किए जा रहा है तो अगलों को मतलब कहीं दूसरे रस्ते पर ना लगा दें तो इसलिए हम इस पर गुफ्तु कर रहे हैं असल में बुनियादी तौर पे इनका जो फल्सा है हम इनकी अपनी ज़ुबानी भी सुनेंगे ताकि कोई ये ना कहे कि हाफिज साहब आपने इनके मुंह में कोई अपनी बात डाल दी है इनका बुनियादी तौर पे ये जो फलसा है वो ये है कि अभी एक इनकी वीडियो जो बहुत वायरल हुई इसमें ये था कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला और मोहम्मद रसूल ये दो अलग-अलग पर्सनलिटीज हैं ये कैसी बात है मतलब ये मैंने भी सुनी है और आपसे भी सुनी है और मतलब पूरी दुनिया में चौदह सौ साल में ये हाँ। फिक्र किसी ने दी ये लोग इनसे पूछ रहे हैं इनके सामने बैठे हुए एक बंदा कह रहा है कि 1400 साल में ये बात आप हमें बता रहे हैं कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला जो सीरत की किताबों में जिनको आप पढ़ते हो कि वो मक, मक्का और मदीना में थे और वहाँ पे मस्जिद नबी में रोज़ा मुबारक के अंदर मदफफून हाँ मदफफून है अच्छा सिर्फ मुसलमान नहीं डॉक्टर साहब मुस्लिमों ने भी तो बहुत कुछ लिखा है लिखा है लिखा है तो क्या ये दावा इन्हीं का ही है सिर्फ हाँ ये इन्हीं का ही है और ये कहते हैं कि वो, वो सारे गलत हैं अच्छा हाँ सारे गलत हैं मैं तो कुरान बयान कर रहा हूँ कुरान ठीक है अच्छा तो कुरान आया किसके ऊपर पे <laughs> कौन लेकर आया <laughs> इसको हम समझते हैं इन्हीं की जुबानी समझते हैं अच्छा अच्छा ये हम इनका ना एक छोटा सा ये बेसिकली इनके सात लेक्चर्स हैं अच्छा साथ में लेक्चर्स में जरा उन्होंने अपनी बात को समराइज किया और क्वेश्चन आंसर की सूरत में जरा समरी सामने आ जाती है अब जारी बात है सात लेक्चर हम कहाँ अपने एक वीडियो के अंदर डाले तो ये अभी इनकी वीडियो है जो अभी हम आपको दिखाते हैं तो ये बेसिकली ये कहते हैं कि जी जो जबरील हैं या जिनको रूहुल कुदुस या रूहुल अमीन कहा गया है वो बेसिकली कोई उस तरह का फरिश्ता नहीं है जैसे आप लोगों का अकीदा है अच्छा तो हाँ फिर कौन हैं। हाँ अमीन वो रूहुल अमीन या रूहुल कुदुस वो बेसिकली आयत का जोहर है एसेंस है यानी आप अल्लाह तआला के कलाम को पढ़ रहे आप पढ़े मैं पढ़ा तो हमें कुछ समझ में आ रहा है ना ठीक है तो वो कह रहे हैं कि जी हमारे दिल पे भी कुरान का नज़ूल हो रहा है अच्छा ठीक है वो नजूल किताब जैसे इकबाल राह ने भी ये चीज जो है वो अपने अशार में इस्तेमाल की है जी कुरान को ऐसे पढ़ो जैसे तुम्हारे दिल पे नाज़िल हो रही लेकिन वो तो, एक शायराना है ना। जी। ये तो इसको फिक्र फलस की सूरत में सूरह फातिहा पढ़ रहा हूँ तो जब मैं पढ़ रहा हूँ आलमीन तो इसका क्या मतलब अब इससे क्या मुराद है अमीन आ गया इसके हाँ, वो ये कहते हैं ये जो कुरान पढ़ते हुए आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है जो आयात का जोहर है जो आपके दिल पे उतर रहा है जो आपको समझ में आ रहा है जोहर से मुराद जो 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 एसेंस अंडरस्टैंड कर रहा है। हाँ, जो आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं का अल्लाह की आयात जो आप तिलावत कर रहे हैं उनका जो एसेंस आपके दिल पे मतलब दिल से आप समझ रहे हैं ना उसको दिल के ऊपर जो नाजिल हो रहा है ये असल में रूहुल अमीन है यही रूहुल कुदुस है यही जिब्रील है यही रसूल है यही मोहम्मद रसूल अल्लाह ये उन्होंने कहाँ से फिक्री सोर्स क्या है सोर्स सोर्स हम देखते हैं कि उन्होंने कुरान से कहाँ से इसे बात यह है डॉक्टर साहब इसमें तो उनसे ये सवाल पूछा जा सकता है कि ये जो आप फिक्र पेश कर रहे हैं क्या आपसे पहले आपका शजरा कहीं जाके मिलता है वो तो कहते हैं नहीं मिलता वो तो कहते हैं कि जी पहली दफा मुझे कुरान समझ में आया

और वो अल्लाह की तरफ से अमानतदार है ये बात समझ में आ रही आपको ये नहीं कि वो फरिश्ता है कोई आयात की रूह आयात की जो सेंस है उसे रूल अमीन कह रहा है अमानत रूह अच्छा नहीं हमें तो यही है कि और सारे मुसलमान ये बिलीव करते हैं कि वो फरिश्ते आते थे जो आ, मतलब वही लेकर जिब्राइल अमीन जैसे चार फरिश्ते हैं ना उनमें से एक है वो वो वही लेके आते थे हमारे हुजूर के अब वो नजर आते थे या नहीं आते थे वो अल्पा करते थे उनके नहीं ये ये सारी चीज आप जान रही हैं। तो ये कोई कुरान में थोड़ी बातें लिखी है तो कुरान में जी अमीन का तो है जिक्र नहीं मैं तो आपको समझा रहा हूँ ना कि देखिए कुरान में लिखा है उल नजल और उल कुदूस में बिल हक की कह दो कि उल ने नाजिल कर दिया इसे इस तरह की आयत है वो तो मैं आपको बता सकता हूँ रूल अमीन जो है रूल कुल जो ही रेबुलेशन की एसेंस है आयत की जब रू समझ में आ जाएगी वो रूल अमीन नाजिल हो गई आपके ऊपर उसको हम जि कहते हैं ठीक तो उस उन्होंने ये बात कही है कि आयत जब आपको समझ में आ गई तो समझे आपके ऊपर रूहुल अमीन उतर गया और यही मोहम्मद जबरील अमीन है एक ही चीज़ और वो जो थे प्रॉफिट वो ये कहते हैं कि असल में मुख्तलफ अदवार में कुछ अशास आए हैं कुछ अफराद आए जिनके ऊपर अल्लाह का कलाम नाजिल हुआ और उनको जब जब वो अल्लाह का कलाम समझ में आता था तो उनको रसूल कह दिया जाता था अच्छा यानी उन पे भी रसूल उतर रहा था अब बात समझ रहे जी यानी कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला उतर रहे थे हाँ अब आप बात समझ में आए तो इस तरह अगर आज किसी को कलाम समझ आना शुरू हो जाए तो उस पर भी मोहम्मद उतर रहे हैं ये कौन सा फलसफा है साहब तो ये असल में कहते हैं कि कुरान असल में इन्होंने किया क्या है इन्होंने कुरान को हर दौर के साथ रिलेट करना चाहा है अच्छा ठीक है कि कुरान ऐसा नहीं है कि माजी में एक खास शख्स के ऊपर नाजिल हुआ और उसको समझ में आया और अब बस अच्छा कुरान आज भी उतर रहा है कुरान आज भी नाजिल हो रहा है ये बार बार ये बात तो करते उतर रहा है आज भी उतर रहा है क्या मतलब कुरान तो हमारे पास मौजूद है नसल दर न साढ़े चौदह सौ साल हाँ तो आज उतर रहा है क्या मतलब इससे मुराद उसकी अंडरस्टैंडिंग उसकी रूह उसकी, उसकी एसेंस, जो उसका उसकी, जोहर उसकी अंडरस्टैंडिंग आजकल के लिहाज से तो में मौजूद है जो हम जो कहते हैं कि जो फिकल वाक चीजें आ जाती हैं। लेकिन खैर बहरहाल हम अभी इनकी बात को थोड़ा सा और जाके आगे खोलते हैं जी हम देखते हैं कि इन्होंने असल में अभियान मतलब की एक बात तो जो इनका मैं कहूँगा इनका अकीदा ही कहना चाहिए इसको वो ये है कि रूहल अमीन जब्राइल अमीन मोहम्मद चीज़ है ये एक ही चीज़ है और ये आयात का जोहर है और ये, आयात ये कोई आयालिटी नहीं है ये, ये, personality ये, ये personality कोई ज़ात या शख्सियत नहीं यानी कि एक आम मुसलमान जब कुरान की तिलावत करता है अलहमद लबीन तो जो अपने दिल में वो महसूस कर रहा है वो ही मोहम्मद रसूलुल्लाह है वही जबरीली वही जबरीली वही रूहुल अमीन है वही रूहुल है नाजिल हो रहा है और और मोहम्मद बिन अब्दुल्ला एक तारीखी शख्सियत थे उनके ऊपर जब ये जब कलाम उतरा तो उनके ऊपर मोहम्मद अल्लाह उतरे उनके ऊपर रूहल अमीन उतरे उन्हीं मतलब के ऊपर जिब्राइल उतरे मतलब जितने अम्बियात थे सबके साथ ये मामला हुआ सबके साथ यही मामला हुआ सबके साथ ये मामला हुआ अच्छा अनोखी फिक्र है अच्छा इसकी अब आप दलील समझे ना दलील जरा ये जो वो बात कर रहे हैं ये अपनी तरफ से कर रहे हैं या इसकी को दलील भी देते हैं हाँ, ये, ये देखें अभी जो दलील दी है लिखा हुआ है, कहते हैं ये कैसा रसूल है या कुल तह खाने खाता है फिल और रोडो पे चलता है ला क्यों नहीं मलक। इसकी तरफ फरिश्ता क्यों नहीं नाजिल होता फैकून माओ नजीरा उसके साथ वो बन के खबरदार करे तो ये तो लोगों का इतराज है कि क्यों नहीं नाजिल होता है उनके साथ फरिश्ता और लोगों के साथ वो, 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 वो खबरदार करे तो ये तो लोगों का इतराज है कि फरिश्ता क्यों नहीं नाजिल होता ये कुरान मजीद में थोड़ी लिखा हुआ है तो लोग फरिश्ता बनाए दे रहे हैं उसको जबकि जिबैल को अल्लाह तहता है जिब्रैल खुद बजाते खुद जिबैल जिक्र है कुरान मजीदा की नाई वो खुद यहाँ पे एक तो इन्होंने ये दलील बयान की है कि ये कहते हैं कि जी मुशरकन ये इतराज करते थे कि नबी करीम पे फरिश्ता क्यों नहीं नाजिल होता तो अगर फरिश्ता नाजिल हो रहा था तो वो इतराज क्यों कर रहे थे उनको बता दिया जाता कि भाई फरिश्ता तो उतर रहा है अच्छा लेकिन बात यह की ये तो ईशान नजूल को मानते नहीं है ना हमने इनसे कुरान से गुफ्तु करनी है मतलब कुरान की जुबान में हमें गुफ्तु करनी है अच्छा अब आप देखें कि ये जो कुरान की आयत है ठीक है ये हमारे सामने सूरा अनाम है इसमें अल्लाह व ने बिल्कुल वाज तौर पर ये बात बयान कर दी आयत नंबर एट वक़ाल लौला उन जिला अल मलक कहते हैं जी इन पर फ़रिश्ता क्यों नहीं नाजिल हुआ ठीक है अल्लाह तला के क्या कह रहे हैं वलऊअलना माला का अगर हम नाजिल कर देते फ़रिश्ता लकूदल अमरों तो इनका काम तमाम कर दिया जाता अच्छा अब साथ ये भी है ठीक है सुमल जरून फिर इन्हें मोहलत ना दी जाती तो यहाँ किस फरिश्ते की बात हो रही है बात फरिश्ते की नहीं हो रही किस फरिश्ते की बात हो रही है वो ये कह रहे हैं कि जी मोहम्मद और रसूल सल्लम पे फरिश्ता क्यों नहीं नाजिल होता अल्लाह ताला जवाब क्या दे रहे हैं कि जो फरिश्ता तुम चाहते हो ना नाजिल हो ठीक है जब वो नाजिल होता है ना खत्म जी, अजाब। हाँ अजाब का फरिश्ता यहाँ वही के फरिश्ते की बात ही नहीं हो रही जाहिर है ठीक है यानी वो ये अल्लाह के वलम डरा रहे थे ना आखरत के अजाब से ठीक है उन्हें कह रहे थे ईमान लेके आओ नहीं तो अजाब आ जाएगा जैसे पिछली कौमों पर अजाब आ गया कुरान इससे भरा पड़ा है ठीक है इस जवाबे से तमाम नबियों ने आके अपने कौम को डराया तो जब अल्लाह के रसूल से सलम ने डराया तो उन्होंने कहा जी वो जो आप कहते हैं कि अजाब का फरिश्ता आ जाएगा ठीक है तो वो अजाब का फरिश्ता क्यों नहीं नाजिल हुआ तो उन्हें यह बात कही जा रही है कि अगर वो फरिश्ता नाजिल हो गया ना तो फिर तो, तो तुम ये सवाल करने के भी काबिल नहीं रहोगे वो क्यों नहीं नाजिल हुआ ठीक है फिर तो हमें मोहलत भी नहीं दी जाएगी लेकिन अल्लाह ताला की एक सुन्नत है ठीक है अल्लाह की सुन्नत यह है कि अल्लाह एक कौम को एक वक्त तक मोहलत देते हैं इसलिए अजाब का फरिश्ता नाजिल नहीं हो रहा तो यहाँ जो फरिश्ता नहीं नाजिल हुआ वो किस फरिश्ते की बात हो रही है वो अजाब के फरिश्ते की यहाँ वही के फरिश्ते का तो इनकार है ही नहीं <laughs> कि वही का फरिश्ता नाजिल नहीं हुआ अच्छा अगली आयत देखें अब ये अब लोग इतराज कर सकते हैं कि इधर ना वही के फरिश्ते का लिखा है ना अजाब के फरिश्ते का लिखा है हाँ चले अगर ये इतराज कर लें तो हम फिर कहेंगे अगली आयत पढ़ो ठीक है अच्छा अगली आयत क्या है अल्लाह ये कह रहे हैं वलो जा माला का ठीक है अगर हमने फरिश्ते को भेजना होता ठीक है दुनिया में तो हम क्या करते लज अल्लाह राजूला तो हम उसको बशर यानी मर्द बना के बेचते होता असल में क्या था कि हर जबरील इस्लाम भी इंसानी शक्ल में आते थे तो अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि अगर हमने फरिश्ते को भेजना है तो हमने उसको मर्द और इंसान बना के ही भेजना है वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में तुम्हारे सामने नहीं, नहीं आएगा क्यों तुम मतलब उसका सामना करने की हैसियत ही नहीं रखते ठीक है या दूसरी बात यह है कि वो अपनी ओरिजिनल फार्म में तुम उसको देख ही नहीं सकते ऐसा ही है आप देख ही नहीं ना सकते अभी भी अपनी ओरिजिनल फार्म में तो है तो अगर हमने उसको भेजना है कि तुम उसको देख पाओ तो वो इंसानी सूरत में थ्री डायमेंशन में आएगा तो तभी तुम उसको देख पाओगे तो वलौ जाल माला का अगर हमने फरिश्ता अपने रसूल पर उतारना है तो हम उसको इंसान बना के ही भेजेंगे ऐसे ही और आगे अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हमने उन्हें एक शुबे में डाल दिया और उस शुभे में वो अब टमक रहे हैं ये वही शुबा है जिसमें मुशरकिन मक्का थे और ये हजरत भी पड़े हुए हैं यानी चौदाह 1400 साल से चला रहा है वो जो मुशर को शुभो पड़ा था सुबह उनको क्या पड़ा था कि फरिश्ता क्यों नहीं भाई फरिश्ता तो आ रहा था अब फरिश्ता आ रहा था इंसानी सूरत में वो कह रहे थे इंसान आ रहा है तो अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि भाई फरिश्ता जब आएगा तो इंसान की सूरत में आएगा ना असल सूरत में आप देख नहीं सकते असल सूरत में आप देख नहीं सकते ठीक है तो अल्लाह ने तो जवाब दे दिया कि फरिश्ता तो हमने भेज दिया अब अगर ये एतराज करें कि जी

फरिश्ते को भेजेंगे बशर की सूरत में भेजेंगे तो ये जो फरमा रहे हैं कि रूहुल अमीन वो कुरान का असेंस है तो इधर तो फरिश्ते का बशर के तौर पर भी जिक्र है हाँ फरिश्ते का बशर के तौर पर भी जिक्र है तो इनका रद्द होता है फिर इस हाँ, बिल्कुल ऐसे ही बिल्कुल, ऐसे ही। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा अगली बात एक और आ, हाँ, अगर हम आगे चलें ना कि इन्होंने आगे चल के एक और जगह गुफ्तु की है डॉक्टर साहब मैं एक सॉरी फॉर इंटरप्शन मुझे एक चीज़ प्लीज इस पर रोशनी डालिए जी कि एक शख्स अगर ये कहे कि आज 2021 में जो कुरान मुझे समझ आया है और पिछले साढ़े चौदह सौ साल में किसी को समझ नहीं आया जी जी तो ऐसे शख्स के को क्या एडवाइस की जा सकती है आप कुछ नहीं एडवाइस कर सकते क्योंकि देखे ना कुछ लोगों के जहनी मसाइल बन जाते हैं नफसियाती मसला बहुत से लोगों ने ना जब मैंने उनके सामने ये बात रखी लोगों ने मुझसे पूछा कि ये क्या कहना चाहते हैं तो मैंने कहा ये कहना चाहते हैं हाफि साहब ऐसे स्टूपिड आदमी को आप जवाब देंगे मतलब उनका कहना ये था मतलब ऐसे लोग भी हैं मतलब आप उसको जवाब देने के लिए बैठेंगे मैंने कहा भाई मसला ये नहीं है हैरत इन पे नहीं होती कि इन्हें ये बात कैसे सूझ जाती है हैरत उन पे होती है जो सामने कापी पेंसिल लेके बैठ के लिख रहे होते हैं इनकी बात वो देखें ना जिस इलीट क्लास को उन साहब ने सामने बिठाया हुआ है और कुरान मजीद की आयात पढ़ पढ़ के सुना के गलत सलत तर्जमे करके उन्हें ये बावर करवाने के ये कुरान है और उन बिचारों को पता ही नहीं है अभी हम आपको बताएंगे दिखाएंगे उन बिचारों को कुछ भी नहीं पता वो इससे कैसे क्रास क्वेश्चन कर सकते हैं डॉक्टर साहब इसमें दो चीजें हैं जो मैं चाहूंगा आप उस पर कुछ रोशनी डालिए एक बात तो ये है कि ये मुझे साइकोलॉजिकल मसला लगता है उन लोगों का भी जो इनसे फैज ले रहे हैं और साहब का भी नंबर एक नंबर दो कि आप जिस सब्जेक्ट के ऊपर इर्शादात फरमा रहे हैं क्या आप उस सब्जेक्ट में रखते हैं? देखिए वो जुबान जुबान आ, आती है असल बात यह है कि वो तो यही कहेंगे ना ना कि हमारे पास है है कोई भी आके बैठ जाए <laughs> वो तो तो यही दावा करेंगे क्लेम करेंगे क्लेम 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 असल में तो हमने उनके क्लेम को खोलना है ना। अच्छा, नहीं, लेकिन जिस क्लेम का बात हम खोल रहे हैं दो कौन है दुश्मन के लिए? अला अब देखें बिल्कुल वाज आए थी कि जिबरील ने ठीक है ने नाजिल किया उस कुरान को अला अला कल, आपके दिल पे अल्लाह के हुक्म से अला अब, भी कितनी वाजे आयत है कोई तर्जमा आप उठा के अब इसका तर्जमा क्या कर रहे हैं वो मैं, ये तो एक, एक लिटरेचर की बुक उठाऊं और उसके ऊपर लोगों को सिखाना शुरू कर दूं लेक्चर देना शुरू कर दूं तो यकीन यूनिवर्सिटी मुझे कहेगी आपको फ्रेंच लैंग्वेज आती है तो आप एक किताब जो कलामुल्ला है उसको समझाना चाह रहे हैं लोगों को और आपको वो जुबान नहीं आती तो आप तो क्वालिफाई नहीं करते हम नजला जो है ये बाब तफी से जी, है बाब तफी से है और ये मुतादी जो है वो फेल है मतलब इसका कोई है। ना कोई ऑब्जेक्ट होता है इसका कोई ना कोई मफूल होता है, है। आप इसका तर्जमा फेले लाजिम का किए जा रहे, है। आप रहे हैं आप लाजिम हाँ, वो तो नाजला का तर्जमा है नजला का तो है ही नहीं जबरीलम ने नाजिल किया उसको आपके दिल पे तो ये तर्जमा क्या कर रहे हैं वो नाजिल हुआ नाजिल हुआ तो बनता ही नहीं है अब आप देखे ना नाजिल हुआ करके कह रहे हैं कि जी अब जिबरील तो नाजिल नहीं हो सकता दिल में वो इतना बड़ा है <laughs> जबरी तो करें ना तो बात बिल्कुल क्लियर है कि हरे ने उसको नाजिल किया आप के दिल पर ठीक है यह बात बिल्कुल क्लियर है यह देखे मोलाना अबू अला मदूदी का तर्जमा हम दिखा रहे हैं कि इनसे कहो कि जो कोई जबरील से अदावत रखता है उसे मालूम होना चाहिए कि जबरील्लाम ने अल्लाह के ये कुरान तुम्हारे कल पर नाजिल किया कितना सादा सदर अब यह है कि जी वो जबरील नाजिल हुआ आपके दिल पर जबरील ने नाजिल किया को जबरील नाजिल हुआ बना अब तो जबरील तो नाजिल ही नहीं हो सकता जबरील तो इतना बड़ा है तो आप के दिल पर कैसे उतर सकता है तो अब ये शु... मतलब पहले आप तर्जमा गलत करें ठीक है तारीफ करें आप कुरानी मजीद के तर्जमे में मतलब अब आप ये चले जाए ना ये वेबसाइट जो अभी हमने आपको दिखाई है ये जो वेबसाइट है मतलब को यहाँ कोई तर्जमा उठा लेंजे तो मेरा आदमी को भी ये बात समझ में है लाजिम का फर्क हर किसी को पता है तो अब उससे अब इतराज खुद गलत तर्जमा करके आप इतराज खड़ा करेंगे और उससे अपनी फिक्र साबित करेंगे तो गोया कुरान के अल्फाज में आप अपनी सोच अपने बोझे से निकालते हैं पॉकेट से जय चीज़ें निकालते हैं और वो कुरान के अंदर डालते हैं और फिर कुरान के अल्फाज में से निकाल के दिखाते हैं जी हमने कुरान में से निकाल लिया यानी वो जदगर मेजिशियन कभी आपने जी, देखा, जी, देखा वो कस्तम करने वाला क्या कर वो चीज़ जो है ना वो कहीं उसने छुपा के रखी होती है और बड़ा ट्रिक करके ना वो डाल देता है और फिर वहाँ से निकाल के दिखाते हैं और ऐसे करते देखो मैंने तो दिखा दिया अच्छा डॉक्टर साहब अब आप देखें आगे इससे दलाल क्या किया है दिल पे दिल इतना सा उनको नहीं ना पता की ये तर्जमा गलत कर रहे हैं और उनको कैसे मुतमिन किए जा रहे कि नाजिल हो सकते हैं डॉक्टर साहब इसमें जो मुझे बात समझ आई है जो थोड़ी बहुत अरबी मुझे आती है थोड़ी बहुत इब्तदाई लेवल की एक साहब पहले तो एक फन के माहिर ही नहीं है उसके बाद वो जबरदस्ती उस फन के माहिर बनने की कोशिश कर रहे हैं तर्जुमा गलत कर रहे हैं और वो एक चीज प्रेजेंट कर रहे हैं अपने कस्टमर को जो के वहाँ पे आवाम बैठी है अवाम बैठी और उनको कुछ पता अच्छा, नहीं। आवाम भी ये नहीं जानती कि जो ये साहब दे रहे हैं हाँ। वो दुरुस्त है कि नहीं वो कुरान नहीं है अच्छा वो कुरान नहीं है अच्छा अब वो सिर्फ उनके लहजे से उनकी बात से उन उनके प्रेजेंटेशन से متاثر होके उसको इस्लाम समझ के उसको कुरान समझ के ले रहे हैं वो कई जगह पे देखे ना आप इनकी वीडियोस में बस अगले को ऐसे जैसे दबा दिया ना तो अगला ये समझा शायद अगले के पास बड़ा इल्म है तो हम देखें ना इसमें आप मेरा ख्याल है कि इस पर कुछ मजीद रोशनी डाली है कि आवाम को हम ये दरख्वास्त कर सकते हैं कि अगर आपको कुरान ही सुनने का शौक है तो आप कम अज कम उससे सीखिए कुरान जिसको कुरान अरबी तो आती है बुनियादी कुरान आता तो हो मतलब ये क्या बात हुई कि आप कुरान सीखने चले जाते हैं उन लोगों के पास जिनको वो पढ़ना भी नहीं आता उसका तर्जुमा भी नहीं आता और मनपसंद जो जी चाहे वो देखिए दे 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 डॉक्टर इसरार साहब हैं और इसी तरह से डॉक्टर फ़रत हाशमी हैं मतलब आप उनसे कुरान सीखें ऐसा तो नहीं है कि किसी ने कुरान नहीं बयान किया बिल्कुल, और बिल्कुल, ये पहली मरतबा कुरान बयान कर रहे हैं तो लोग नेट पे मौजूद हैं माशाल्लाह बहुत जोश और जज्बे से और बहुत सेंसेरिटी और बड़े इल्म और अमल के साथ कुरान को लोगों ने बयान किया तो उनकी तरफ जाना चाहिए लेकिन बहरहाल हमने कहा ना कि चूँकि जो नई बात बाजुकात आप करते हैं तो लोग

अब आप देखेंगे यहाँ पे भी ये जो अगली आयत तो उन्होंने कही कि नाजला। नाजला की नाजाला चले उसमे नाजला के अल्फाज है लेकिन अगली आयात नहीं पड़ी ये देखे ये बात ठीक है कि नाजला बिह रूह अमीन उसको लेके उतरे हैं रूहल अमीन अला कलबिका आपके दिल पे ताकि आप डराने वालों में से हो आगे क्या है बिलिसान इन अरबी इन मुबीन वो रूहल अमीन जो लेके उतरे हैं वो तो सरी अरबी जुबान में लेके उतरे हैं बिलिसान इन। बिलिसान इन इन मुबीन में लेके उतरे हैं जी। वो जो अंडरस्टैंडिंग है वो अंडरस्टैंडिंग तो नहीं उतरी आप बात हैं बिल्कुल ये रूह किसको कह रहे हैं आयत की अंडरस्टैंडिंग को उसकी स्पिरिट को उसके एसेंस को जो आपको समझ में आ रहा है कुरान किसे कह रहा है रूहुल अमीन जो अरबी है जो टेक्स्ट है जो मतन है यानी नाजिल क्या हुआ है? अगर इनकी भी बात मान लें अगर इनकी भी बात मान लें कि जी रूहुल अमीन से मुराद क्या है कि जी यह, यहाँ पे जो कुरान ने कहा कि रूहुल अमीन जो है ना नजल रूहुल अमीन, रूहुल अमीन उतरा इसके साथ किसके साथ कुरान के साथ और वो क़ुरान क्या है बिलिसान अरबी मुबीन सरी अरबी जुबान है तो उतरती तो अरबी जुबान है बिल्कुल

अच्छा आगे अल्लाह क्या कह रहे हैं अगर हम इसको बाज अजमियों नाजिल कर देते ये तो अजमियों नाजिल हो ही नहीं सकता बिल्कुल ये तो अजमियों पर नाजिल आप तो अजमी है आप तो अरबी हैं ही नहीं जी। ठीक है आप पे कैसे कुरान नाजिल हो गया या आप पे रूहुल अमीन कैसे नाजिल हो गया क्योंकि अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि रूहुल अमीन जो है वो हम अजमियों पे नाजिल करते और ये लोग जो है वो उसको पढ़ते तो फिर भी ईमान ना लाते ऐसे है। तो रूल अमीन तो अजमियों पे नाजिल ही नहीं हुआ पहली बात तो ये तो सिर्फ अरबियों पे नाजिल हुआ और ये कहते हैं कि आज भी हमारे ऊपर नाजिल हो रहा है आज भी हमारे ऊपर नाजिल हो रहा है और क्या तक नाजिल होता रहेगा ठीक है थीके? आगे अल्लाह ने जो बात की वो अहमद कजाल का सलक नफी कलूबिन मुजरमिन मुजरमों के दिलों में हम ऐसी बातें बिठा देते हैं चला देते हैं तो ये असल में जो लोग ईमान नहीं लाना चाहते अल्लाह की आयात पे तो फिर उनके दिलों में ऐसे पसावि बैठ जाते हैं और वो उसको कुरान समझ के ला मिन भी और इन बातों पे वो ईमान नहीं लाएंगे ये जो कुरान ने बयान की हैं इन बातों पे वो ईमान नहीं लाएंगे हती यराजाबलीम यहाँ तक कि अजाब देख लें फ़यातियाम बख्ता और वह अजाब अचानक उनके पास आएगा और उन्हें इसका शूर भी नहीं होगा तो ये असल में देखें कि ये एक से कुरान की आयात को काटते हैं ठीक है ना आगे पढ़ते हैं कुरान की ना पीछे पढ़ते हैं गलत है शाह मानती नहीं रखते वो है तो वो नहीं ना वो तो कहेंगे हम इसको मानती नहीं चले उसको नहीं मानते कुरान का मेरी बात एक कॉन्टेक्स में है ना उसमें फिट होकर समझ में आएगी ना आपने कुरान की चार आयते पढ़ी उससे अगली दस आयते क्यों आपने नहीं पढ़ी जो मुतन कर रही है कि इन चार आयतों का माना क्या है ऐसे ही और आप जो माना निकाल रहे हैं अगली दस आयतें उन मानी का इनकार कर रही हैं बिल्कुल कि और ये और, मानी आपके अपने नहीं। देखिए एक तो हो गए कुरान के अल्फाज दूसरा उन अल्फाज को बयान करने के बाद ये अपनी खुद एक तफसीर करते हैं हाँ खुद एक तफसीर करते हैं तो वो तो इनकी तफसीर हो गई ना हाँ लेकिन ये उस, उसकी नस्बत खुदा की तरफ करते हैं असल में अल्लाह के ऊपर झूठ ये बोलते हैं देखिए मेरी तफसीर कुछ और होगी अगर मैं अकल की बुनियाद तो आपकी कुछ और होगी मेरी कुछ और होगी तीसरे बंदे बंदे चौथे हज़ार बंदों की अपनी अपनी तफसीर हो जाएंगी ऐसे ही तो क्या वो सारी की सारी वो तफासिर जो है उनकी नस्बत अल्लाह की तरफ कर दे नहीं बिल्कुल भी नहीं बिल्कुल नहीं अल्लाह ने तो एक ही बात कही है अल्लाह ने सो बातें थोड़ी की हैं बिल्कुल अल्लाह ने तो सत्तर बातें नहीं की अल्लाह ने तो एक ही बात की है सत्तर लोगों को जो है वो सत्तर तरह से बात समझ में आई है हम उसकी नस्बत जो है वो अल्लाह की तरफ कैसे कर सकते हैं हक तो एक ही है ना अच्छा, अब आगे देखें एक और जगह तो तो ये, ये, ये समझते हैं मैं जानना चाहूँगा अपने नाजरीन के लिए कुरान के पढ़ने के बाद जी जी। जो उसकीशन दे रहे हैं हाँ। उसकी एक्सप्लेशन जो अपनी अकल की बुनियाद पर दे रहे हैं मंतक की बुनियाद पे उसकी नस्बत अल्लाह की तरफ करते हैं अल्लाह की नस्बत मोहम्मद अशेख तो अगर उसके बाद जो एक्स वाई जेड जो बाकी लोग जो अगर इंटरप्रटेशन करना शुरू कर दें तो वो देखिए असल में बात यह है कि घुमा फिरा के ना बात को आगे पीछे कर देते हैं फिर घुमा फिरा के ये कहते हैं जी नहीं अब उसमें भी उनकी मुराद ये होती है कि ये इंटरप्रटेशन जो है ना मतलब ज़ुबान से कहते नहीं है लेकिन उनकी मुराद ये होती है कि ये हम पे नाजिल हो रही है तो फिर तो ये हाँ, ब... मुराद यही होती है वही नाजिल होती है तो वो तो कहते हैं खुल के कि वही नाजिल होती है अच्छा ये नहीं कहते सिर्फ हमारे ऊपर कहते हैं सबके ऊपर नाजिल होती है तो नहीं कह रही उसमें तो वो असल में उसी को कह रहे हैं कि जी वो जो आयात को पढ़ते हुए आपको इल्का होता है तो उसी को वही का नाम दे रहे हैं उसी को वही का नाम और जो बाकायदा वही नाजिल होती थी मोहम्मद के ऊपर उसका इनकारी वो, वो कहते हैं असल में बात ये है कि, कि कुछ अम्बिया थे अशास थे उनको भी अल्लाह का कलाम समझ में आता था हमें भी समझ में आ रहा है यानी अपने आप को तो वहाँ बराबर लेवल पे ले आए ना तो उन ठीक है लेकिन उन तक आया कैसे मोहम्मद रसुल्ला के जरिए मोहम्मद का मतलब वो हाँ खुद ब खुद उनके जहन में डाल दिया गया वो ये कहते हैं कि जी अम्बिया तक भी जो अल्लाह का कलाम पहुंचा मोहम्मद रसूल्ह के ज़रिए हम तक भी मोहम्मद और के जरिए मोहम्मद और रसूल्ला को पर्सनैलिटी नहीं है मोहम्मद और रसूल्ला फ्राम आदम से लेके आज तक और क़्यामत तक हमेशा हर जगह मौजूद हर ज़माने में मौजूद है अच्छा ये वो वाला अक़ीदा नहीं है जो बरेलवियों का मतलब एक ख़ास तबके का है उसके साथ कन्फ्यूज़ नहीं कीजिएगा कि अल्लाह के वलम हयात है ये कहते हैं अल्लाह के रस अल्लाह के रसूल यानि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ठीक है उनसे पहले भी मोहम्मद रसूल्ला यानी आदम से ले के आखिरी इंसान तक मोहम्मद रसूल हर उस शख्स के ऊपर उतरते रहेंगे जो अल्लाह के कलाम को समझने की कोशिश करता है और वो मोहम्मद रसूल्ला कौन है वो रोहल अमीन है रूहुल अमीन कहना रोहलकुदस है वो कौन है वो जबरील है जबरील कौन है वो आयत का एसेंस है जो आपको समझ में आ रहा है तो जब कुरान पढ़ते हुए आपको कोई चीज आपके दिल पे उतर रही है यानी उन आयत का मफहूम वही मोहम्मद है जो आप पे उतर रहा है वही अल्लाह का मैसेंजर है जो आपके पास आया है अब इसकी बात मानो इसकी इतात का हुक्म दिया गया मोहम्मद बिन अब्दुल्ला नहीं अब बात समझे वो एक तारीखी शख्सियत है अगर अती और में रसूल से मुराद ये मोहम्मद और रसूल्लाह है जो आपके दिल के ऊपर उतरा है यानी ये आयात का मफहूम इसकी का और रसूल में हुक्म दिया गया किसी पर्सनैलिटी का हुक्म नहीं, 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 हाँ, नहीं।, नहीं दिया गया कि उसकी जाकेत करो की आयात की इताद का हुकम दिया। यानी, और रसूल से मुराद एक तो ही फिर नमाज है। किस तरह पढ़ते हैं अब देखे ना नमाज भी कुरान से जिस तरह हम उस पर एपिसोड करेंगे खेच तान के निकाली है साबित नहीं कर सके खेच के निकाली है किसी ने इनसे इतराज किया ना वो फिर कुरान से बड़ी के रोजे किस तरह रखते हैं हज किस तरह करते आ, उस हैं उस पर हम इन गुफ्तु करेंगे वो निकली नहीं इनसे बहुत सारी चीज़ें हम जिक्र करेंगे अच्छा अब अब आप देखें आ, ये कुरान आया से? कुरान? आया से? अगर हम इनकी बात आखिर किसी इंसान के ऊपर तो नाजिल हुआ नहीं हाँ। आर्कियोलॉजिकल पर बाकायदा साइसिस मौजूद हैं ये हिस्टोरिकल पर माइनस्क्रिप्ट मौजूद है कहाँ से आया ये ये असल में कहते हैं कि जी कुरान बस आ गया ये ये बच्चों को तो बताया जा सकता है लेकिन हाँ अगर हम किसी सोशल साइंस में जाके प्रूव करना पड़ जाए तो क्या करेंगे इसमें हम करते हैं आगे जब इनकी वो हम मतलब तो ये बातें तो फिर दीवाने की बात लगेगी मुझे दीवाने की बात देखिए आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में अगर आप जाए और उनसे बोलें कि भाई ये एक किताब है ये आज 2021 हजार में मौजूद है फाइंड आउट करेंगे ये दुनिया में कब से थी ालिबन पहली सदी हिजरी या दूसरी सदी हिजरी का मैंने मिलता है पहली दूसरी सदी हिजरी हिजरीप्ट

लेकिन डॉक्टर साहब इसमें तो इस तरीके से तो इन पे भी कहा जा सकता है ये जो आप फलाना 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 काम कर रहे हैं ये क्या लिखा हुआ है कुरान में और दूसरी बात यह है कि इसका तो बड़ा सिंपल जवाब है कि इस्लाम कहते किसको है फिर ये तो हम उससे उस पीछे उधर जाना क्या, क्या इस्लाम सिर्फ इसको कहते हैं कि इस्लाम ये कहते हैं वही है जो आपको कुरान से समझ में आ गया ये नमाज तो पढ़ते तो कुरान में नहीं लिखी हुई से, से देखें। अब, अब देखें। कहना चाह रहे हैं लोग कह रहे हैं आपको खबर बना दी ये सब कुरानी लिख सकते पूछे की जवाब दूंगा मेरे से पूछ दे ना आपसे पूछ रहा हूँ अल्लाह ने नाजिर करी किस तरह किस तरह से मेरा या कोई परिश्ता ले से गिरा या कुछ से क्यों गिरेगा? नहीं, पूरी दुनिया में आप जी मैं तो बहुत देखा हूं, दुनिया आपको तो देखे भी नहीं मैं अमरीका गया हूँ यूरोप गया हूँ मिडिल ऑस्ट्रेलिया गया बहुत जगह पे गया कोई मुल्क ऐसा नहीं जहाँ पर इंसान को याद ना हो अब ये इनके पास जवाब है कि पूरी दुनिया में लोगों को याद है बस कुरान कैसे आया है मुझसे ये ना पूछो फरिश्ते तो <laughs> तो और बहुत कुछ हाँ, है। तो भी मौजूद है गीता भी मौजूद उसके अलावा नॉन रिलीजियस टेक्स्ट मौजूद है वो कहते हैं जी बाकी किताबें याद नहीं है ये याद है लेकिन बात वो जो याद है हाफसे में वो कहां से आ गई है

और वो नसल दर याद याद होता आ रहा है है ठीक एग्री लेकिन वो याद हुआ से वो कौन कैसे? से किस जमाने में पिन पॉइंट करके जब अल्लाह ने किसके ऊपर वो नाजिल किया था कैसे नाजिल किया था पूरी एक नस्ल इंसानी पे नाजिल हुआ था मतलब कितने लोग थे किस इलाके के लोग थे जिन पे वो कलाम नाजिल हुआ एक पे हुआ दस हज़ार पे हुआ कैसे आगे पहुंचा है मतलब ये तो नहीं कि रात को सोए थे सुबह उठे तो लोगों को कलाम याद इस इधर इधर ये भी एक सवाल पैदा होता है ये कहते हैं ना कि अगर मैं कुरान पढ़ रहा हूं तो वो जो मैं पढ़ रहा हूं जो मेरे दिल पे महसूस हो रहा है कल पे, वो मोहम्मद है। तो ये जिसके ऊपर ये नाजिल हुआ या एक वक्त में ज्यादा लोगों पर नाजिल हुआ ये ये तो जवाब देते ही नहीं ना फिर आएशाह इधर उधर हो जाते हैं बहुत इस... सारी आयात पे आप देखेंगे बाज आयात पे ये भी कहें मुझे नहीं पता मुझे समझ ही नहीं आ रही है लेकिन मेरा ईमान है वो भाई आपको जब अपनी बात ही समझ नहीं आ रही और आप ये कह रहे हैं कि मैं इसको अच्छा कहते हैं मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता मैं इस पर ई मान ला रहा हूँ फल्सा बनाया आपने अगर एक्सप्लेन नहीं कर सकते तो आपने एक नई फिक्र क्यों खड़ा हाँ नई फिक्र क्यों नहीं वो हम आए आए देखेंगे अभी हम देखते हैं एक डॉक्टर साहब जो पॉइंट मैं वाजे करना चाहूँगा इन्हीं की बात को अगर ले लिया जाए आज अगर मैं कुरान पढ़ता हूँ रहीम है। इनके जो आपको समझ में आई जो समझ में आई जो महसूस हुआ जो अपने कल्ब में पूछू अच्छा तो कहां से आया जी देखे जी लोगों मौजूद है उन सबको जुबानी याद है नस्ल दर ना नसल अच्छा वो नस्ल दर नख्स किसी, किसी एक सदी में जाके पहुंचेगा कि कहीं किसी एक सदी में जाके किसी और उस सदी में जाके किसी एक शख्स किसी एक इलाके में जाके वो पिन पॉइंट हो जाएगा ना तो इसका मतलब है कि क्या वो एक शख्स के ऊपर नाजिल हुआ या वो उस जमाने में उस दौर में बहुत सारे लोगों पर नाजिल हुआ इसका भी इन्होंने कोई जवाब नहीं कोई जवाब नहीं दिया चले <laughs> <laughs> अच्छा अभी इनकी एक और दलील हम सुनते हैं हाँ अब वो देखिए मलाइका रूल मलाइका उतरते हैं रूल तंद इन्ना जैसा लहल तुल कदर हो तो उसमें लिखा इन्ना अंजलनाओ फी लहल कदर वमाज़रा का माय लहल कदर तनज़लुल अल मलाइका आयात भी गलत पढ़ जी जी रहे हैं पहले भी गलत पढ़ी है हमने तवज्जो नहीं दिलाई लेकिन दस रातों में से कोई रात है ना इसलिए अच्छा कह रहे हैं कि जी मलाइका उतर रहे हैं और रू उतर है। रही है अब रू से मुराद वही आयात की एसेंस है यानी अच्छा। ललित्र में व अच्छे तरीके से समझ में आती हैं ये अच्छा इसी रूह के बारे में अगर हम देखें कुरान में क्या बात आती है ये कुरान में है आ, सूरा नबा में योम यकोम रूह जिस दिन रूह खड़ी होगी वल मलायका और मलायका भी सफा सफ़े बांध के ठीक है मतलब आयात की अंडरस्टैंडिंग जो आयात का जोहर है जो आयात का फहम है वो वाले दिन सफे बांध के खड़ा हो जाएगा <laughs> <laughs> कुछ सेंस बनती है कुछ सेंस बनती है कोई सेंस नहीं है मतलब आप जैसे कहते हैं ना कि जी बस आप बंदा क्या मिसाल दे मिसाल देते हुए भी थोड़ी सी हेजिटेशन होती है ठीक है तो जैसे जंगल में आप देखते हैं वाशी जानवर है शेर पीछे लगाओ जी जी भाग तो कभी इधर भाग गया कभी उधर भाग गया मतलब उसकी कोई एक डायरेक्शन नहीं होती इधर उसने देखा कि कोई इतराज़ आ गया तो वो उधर भाग गया उधर से कोई इतराज आया तो बंदा इधर भाग गया ये सूरत हाल है डॉक्टर साहब मैं ये आपकी इतनी बातें सुनने के बाद एक ही बात कहूँगा जो मुझे अभी तक समझ आई है कि आम जिंदगी के अंदर हाँ। कि जिस शोबे से मेरा ताल्लुक़ है ना मैं राय उसमें दूँ हतमी राय अगर मैं सर्जन नहीं हूँ तो मुझे सर्जरी नहीं करनी चाहिए सही बात तो अगर मुझे सर्जरी करने का शौक है तो मैं बाकायदा पहले सर्जन बनूँ पढ़ाई करूँ वक्त गुजारूँ उस के पास और उसके बाद वहाँ से पास करके आऊँ मेरे पास कोई सनद हो और फिर मैं एक सर्जन इसमें अवामन्नास का भी कुर है इन अगर वैसे अगर बिल्कुल बस मिलते क्यों है जी, मैं, मैं, ए, मैं की से ये लोग आगे जो है ना वो जी कॉन्फिडेंस मतलब दो चीज़ें हैं एक तो देखें बहुत सारे जो इस वक्त डेवलप कंट्रीज हैं वहाँ पर अगर कोई शख्स इलाज करना शुरू कर दे और वो डॉक्टर नहीं है तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है और वो ना तो तशीस कर सकते हैं ना दवाई दे सकते हैं कोई फार्मास नहीं है तो वो, वो दैट पर्सन विल बी अरेस्टड तो सिमिलरली अगर आपको अरबी ही नहीं आती अगर आपको दीन के बुनियादी फहम नहीं है तो अगर आपके दिल में तलब है तो बहुत अच्छी बात है हम उसको अप्रीशियेट करते हैं आप जाएँ मौजूद हैं जिनको भी आप पसंद करते हैं उनके पास जाएं जो आपके मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हैं मतदिल लोग हैं उनसे कुछ पढ़ें कुछ वक्त गुजारें सीखें और उसके बाद जब आपके इसाजा आपको कहेंगे हाँ भाई अब आप भी जाके सिखा सकते हो आप चाहें मैदान में उतरें एक बात तो ये हो गई दूसरी बात ये हो गई कि जो अवाम है उनको भी कुछ सोचना चाहिए कि मैं किसके पास जा रहा हूँ क्या आप किसी ऐसी फार्मेसी पे जाएंगे जहाँ पे आपको पता हो कि यहाँ पर जो है वो दो नंबर दवाइयाँ मिलती हैं ऐसे ही या ये सर्टिफाइड फार्मासिस्ट सर्टिफाइड फार्मासिस्ट नहीं है सर्टिफाइड सर्जन नहीं है आप उसके पास जाके सर्जरी करवाएंगे हुँ, यकीनन हुँ, कोई नहीं करवाएगा किसी को ख़ुदकुशी का है, शौक है तो ठीक है।, है, है तो लोगों को भी चाहिए खास तौर पे इन लोगों के पास वो देहाती अनपढ़ लोग नहीं आते हमने जो मुशाह किया है इनके पास आम तौर पर पढ़े लिखे लोग जाते पढ़े लिखे लोग जाते तो पढ़े लिखे लोगों से हम मैं सवाल करता हूँ एक आप सवाल करते हैं हम सब सवाल करते हैं कि भाई आप अगर जा रहे हैं तो ये इस बात की इंडिकेशन है कि आपको दीन से मोहब्बत है आप दीन को जानना चाहते हैं तो कम अज कम ऐसे आदमी के पास जाइए जो कुछ जानता तो हो जो जानता तो कुछ जानता हो तो मतलब कोई सर्टिफिकेशन उसने हासिल की हो आ, कुछ, उसके पास कोई इल्म हो कोई उनके पास कनेक्शन हो उन्होंने किस इल्म लिया उन्होंने किससे इल्म लिया आप दुनियावी मामला में तो ऐसे ही करते हैं ऐसे आप अपना केस अदालत में किसी ऐसे शख्स के, के थ्रू लेकर जाएंगे जो वकीली नहीं है ही नहीं है ऐसे ही ऐसे तो नहीं करेंगे ना

अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर बस खौफ आता है इंसान को कि ऐसे लोगों को लोग सुन लेते हैं लेकिन बात फिर वो ये लोगों को पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है डॉक्टर मुझे जिसको अरबी आती होगी वही समझेगा ना कि क्या हो रहा है अल्लाह के कुरान के साथ क्या हो रहा है ऐसे ही है। किसको वो ये अल्लाह के कुरान को किस तरह से ये जो है ना वो उसका तैयार पांचा कर रहे हैं माजल्ला बिल्कुल देखिए अगर मुझे इलाज करवाना है तो मैं मुझे मैं मैं देखता हूँ जी ये डॉक्टर साहब जो है इन्होंने फलाने मेडिकल कॉलेज से पढ़ा है फ़लानी जगह से स्पेशलाइजेशन की है तो मुझे पता है कम अज़ कम ये एक सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट है मेडिकल कॉलेज है तो मैं उनसे इलाज करवाता हूँ उनसे सर्जरी करवाता हूँ तो कम अज़ कम चेक तो करना चाहिए इनके से अल्लाह तशरकिन के बारे में जो है ना बात की जालुल कुरान जाल उन्होंने कुरान को टुकड़े टुकड़े कर दिया जी तो अब ये कुरान ये खुद कहते हैं असर हाजिर में भी है तो असर हाजिर में भी ऐसे लोग हैं हैं इन जैसे जो कुरान को टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं। खैर मिसाल की है, देखें ने है। आपको सूरह मरियम में हजरत मरियम के पास जब रू आई मिसले बशर तो उन्होंने कहा मैं अल्लाह का रसूल हूँ देख लें रू को फिर नाइनटीन के अंदर मरियम में अच्छा अब ये 19. अब ये मुकदमा जोड़ रहे कि जी रूहुल को दो सरहल अमीन जिब्रील और रसूल वो उनको रसूल भी अल्लाह ने कहा है तो वही असल में रसूल है कैसे में, असल में ये टॉपिक मेरा इनशाला लेक्चर में देने वाला रूह के ऊपर रूह लोग समझ नहीं रहे देखिए लिखा है सूरह मरियम 19 उसकी सोलह सत्रह किताबी मरियम इदिन मिन आलिया मकान शर्फिया जिक्र करो किताब में मरियम को जब वो अलहदा हुई एक, एक, एक मकान ईस्ट के अंदर एक अपने हेल से फून हिजाबा देखिए हिजाब आ गया उन्होंने पकड़ा उन उन्हों अपने हेल के अलावा हिजाब अब अल्लाह कहरा जब उन्होंने ऐसे हिजाब किया अरसल हमने भेजा इलाई हजरत मनी की तरफ रू हाना हमारी रू फम बशर वो बशर की मिसील थी उसके लिए ठीक ठाक उन्होंने कहा हजरत मरीम ने कहा रहमानी मिनका इनकुन तू तक है के अगर तू तको वाला है रू ने कहा रू मिसले इंसान अच्छा अब यहाँ पे जो बात कर रहा है ना जी मिसले बशर हाँ यहाँ पे अल्लाह ताला ने कहा कि वो रू जो है ना वो रू अभी तो ये कहता है ना कि रू एसेंस है ठीक है रू के है एसेंस है जो है। हो रहा है अंडरस्टैंडिंग है ठीक है तो अब कह रहा है कि उसी को अल्लाह ने रसूल भी कहा दरमियान में आयत क्या आ गई कि वो रू जो आई थी हर जबरील आए थे ना वो फातह हाँ बाशरन सविया तो उस औरत ने सही पकड़ा है बिल्कुल बिल्कुल कि वो रूह तो बशर की सूरत में आई है तो ये तो बशर था वो रूह कोई इस किस्म की हाँ अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, हाँ, थी। अंडरस्टैंडिंग मतलब कैसे इंसान की सूरत में आएगी आपके सामने ये तो एक ला यानी सी इलाजिकल सी बात आप करेंगे फजूल सी जी जी। अगर आप ये बात करेंगे तो अल्लाह ताली तो ये कह रहे हैं अब उसकी तावील क्या कह रहे हैं ये सब जब इनका जी चाहे चाहता जो मर्जी कर लें जहाँ मर्जी हमने कहा ना कि जैसे जैसे कुरान ने कहा ना कि गोया के वो हमर मुस्तन फिर बिद के हुए गधे हैं वो जंगली गधा जेबरा मुरादे हैं फ़रत मिन कि जो शेर से भागी हुई हैं तो जैसे शेर से ना वो बिद के हुए तो बिद के कभी इधर कभी उधर वही जो हमने पहले मिसाल दी थी तो ऐसे लोग जो है ना वो जब उनके ऊपर एतराज़ आता है ना तो उनकी मिसाल ऐसी होती है कभी बिदक के इधर कभी बिदक के उधर हो जाते हैं

ये देखें जैसे ये तर्जमा है फते हादत <द्थाथाद> मिंदून हिजाबन इलिया रूहाना फते बाशर सविया उनके सामने पूरा आदमी सविया का सवीया। मतलब भरपूर बर, आदमी सविया का इनकार कर दिया आप सविया का वो बिल्कुल माना ही जो है वो खा गए नहीं मिसल मिसल बशर को उन्होंने मिसाल के तौर पे बशर कर दिया नहीं मिसाल तो उसका माना था ही नहीं, नहीं मिसल बशर का नाम तो हाँ, मिसाल तो नहीं बनता उसका मतलब ये है उसका ये है कि वो भरपूर आदमी की सूरत उसने इख्तियार कर सविया बिल्कुल हाँ, हाँ, तो ये पता तो मसल अल्लाह बशर सविया का ये तो मैं यही कहूँगा कि जो बयान कर रहे हैं वो भी उस जुबान से वाकिफ नहीं है जिस टेक्स्ट

अब क्या कहा अब ये किसने कहा? ये तो बशर ने कहा रू कहां से आ गई पिछली आयत क्या है कि वो बशर बन गया उस बशर ने कहा वो बशर भी भरपूर बशर उस बशर ने कहा कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ अजीब अजीब नहीं है मतलब कुरान इसके खिलाफ खड़ा है बेसिक और ये कुरान को ना खेच के अपनी तरफ नॉलेज जो है ना उससे भी लेके आना उसमें भी बहुत ज्यादा वीकनेस है बस डॉक्टर साहब बस यही सूरत हाल है मतलब अब अब इसी में अभी आगे चल के अब आप देखें एक जगह पे अजीब गरीब किस्म के इस्तेदलाल हैं इंसान बस क्या करे अब जैसे ये एक जगह इस्तेदलाल इंसानों डरो अपने रब से जिसने तुमको एक साइकोलॉजी पे बनाया वन नफ्स नफ्सुम वाहिदा को साइकोलॉजी कर दिया एक साइकोलॉजी नफ्स वाहिदा का मतलब है आदम से पैदाइश हुई तो, एक जान से तो उन्होंने की साइकोलॉजी माना कर साइकोलॉजी बना दिया उसको अच्छा इस इसको हम अब ये बात यही कहेगा ना कि जी आप मुझे कुरान से जवाब दें भाई तुमने कौन से ये माना कुरान से किया जी ठीक है ये कुरान हमारे सामने है दूसरों से कुरान से जवाब मांगते हो और खुद कहां से लेते है, है? <laughs> तो है। यानी खुद ही एक चीज कुरान में डाल के उसको निकाल लें या अच्छा। तो एक ऐसा उसूल बनाया जाए ना जो इनके लिए और सामने वाले के लिए बराबर हो अच्छा ये देखिए डॉक्टर साहब यह सूरज उमर की आयत है खाला काफ से वाहिदा वही बात आ गई जी ठीक है जो उन्होंने आयत पढ़ी लेकिन ये दूसरी मकाम पर है ना कुरान अपनी वजात खुद करता है बेशक ठीक है कुरान अपनी तफसीर खुद करता है अल्लाह ने तुम्हें एक नफ़ से पैदा किया सुम्मा जाम जव जहा फिर अल्लाह ने उससे उसका जोड़ा बनाया तो ये नफसियात थी अगर नफ़ वाहिदा अगर साइकोलॉजी थी तो अल्लाह ने फिर साइकोलॉजी का जोड़ा पैदा किया मतलब क्या फ़िलासफी पैदा कर दिया कहने का मकसद ये है कि ये लोग क्या करेंगे कुरान के साथ क्या खलवाड़ कर रहे हैं भाई नफ़ वाहिदा से अल्लाह ने फिर उसका जोड़ा पैदा किया तो वाज बा हम हमने यही बात की है ना कि ये लोग कॉन्टेक्स से काटते हैं जी जी आयात को उसके कॉन्टैक्स से काटते हैं फिर उन आयात में मनमाना जो है वो मफहूम डाल देते हैं अपनी मर्जी हाँ। का अच्छा इसी तरह एक और आयत देखें नफ़ वाहिदा को फिर कुरान में देखें ये कुरान में एक और जगह पे अब इनको क्या पता कि कुरान में कहाँ आया कितनी जगह पर आया मा खल कुम वाला बहसम अल्ला का नफसे वाहिदा अल्लाह तै कह रहे हैं कि तुम्हारा पैदा करना और तुम्हारा उठाना यानी दोबारा ठीक है ये ऐसी है यानी पूरी पूरी कौमों का पूरी नो इंसानी का ये ऐसी है जैसे एक जान को पैदा करना और उसको उठाना यानी अल्लाह के लिए ये मुश्किल नहीं वो इतराज़ करते थे ना अल्लाह तला में कैसे ज़िंदा करेगा अल्लाह कह रहे हैं कि पूरी नो इंसानी को उठाना अल्लाह के लिए ऐसी है जैसे एक जान को उठाना ठीक है अब ये इसका क्या ये मतलब है कि पूरी नो इंसानी को पैदा करना और उसको दोबारा उठाना अल्लाह के लिए ऐसी है जैसे एक साइकोलॉजी जी जी क्या जी माना बन जाएगा अगर किस तरह किस तरह निकाल, लिया किस तरह निकाल तो उर्दू बोलने वाले भी जानते हैं तो इससे मुराद एक जान जी जी नफ्स हम लोग उर्दू में इस्तेमाल करते हैं तो ये डॉक्टर साहब असल में इनके मसाइल है की नफ्स का माना तो साइकोलॉजी अरबी या उर्दू में भी बनता हाँ ऐसा ही है ऐसा ही है तो ये डॉक्टर साहब इनके मसाइल हैं खैर बहर है जो इसकी दुकान पर जाते हैं डॉक्टर साहब अभी आप देखें कि एक और आयत जब वही हमने बात की है ना कि हम मुस्तनफिर वाली बात जो हमने आपको की है कि बितकी हुई जैसे है जैसे गधे होते हैं ना जीवरे शेर से भागे हुए बिल्कुल वही मिसाल कि यहाँ पे एक खातून ने सवाल किया इन्होंने ये एक कोट की थी आयत क्या थी कि अल्लाह जो है वो तमाम नबियों से ये आए थे जो हम स्क्रीन पे दिखा रहे हैं कि तमाम नबियों से अल्लाह ने वादा लिया कि जब तुम्हारे पास किताब आए हमत आए फिर तुम्हारे पास एक रसूल आए तो तुमने क्या करना है स मजाकम रसूल उम माकुम जो तुम अम्बिया के पास है उसकी वो तस्दीक करता हो तो तुमने लतोमिनबी तुमने ईमान लाना है उस रसूल पर और उसकी नुसरत करनी है अच्छा रसूल की नुसरत उन्होंने कहा कि अगर से मुराद उसी ने किया वो खातून वैसे समझदार है जोहर है तो यह अल्लाह तला कह रहे हैं कि उस पर ईमान लेके आओ और उसकी नुसरत करो तो क्या नुसरत करेंगे अपनी अंडरस्टैंडिंग की जो आपको आयात से समझ में आ रहा है उसकी नुसरत के क्या माने और यह अल्लाह तला नबियों को कह रहे हैं वो नबी सारे गुजर चुके जी। तो ये क्या बात हुई मतलब क्या बात आप कर रहे हैं अच्छा उसका इन्होंने जवाब दिया फिर जी। अच्छा उस, वो जवाब भी जरा सुनने के लायक है अच्छा ये तो मानेंगे कि ये बात के तो लिया हुआ है ना इसी तरह अंबियों के पास गए रसूल कैसे गए किस तरह लिया है मगर जो बता दी बस तमाम अम्बियों ने कहा कि हम अकरार करते हैं और हम गंवाए मैसेज ले रहे हैं आप असल चीज है मैसेज बहुत सी बातें कि अल्लाह की है अल्लाह तला जानता है कैसे हुआ क्या हुआ लेकिन जो अल्लाह ने कहा तमाम अम्बियों के पास रसूल आया उनको किताब दी और उनसे कहा तस्दीक करेगा तो मैंने उससे ये समझ लियादीक मोहम्मद हुए किस तरह हुआ होगा तब वो तो पहले गुजर गए थे तो कन्फ्यूजन में आ जाऊंगा तो इसमें मुझे नहीं पता कैसे लिया मुझे ये मुझे पता मुझे नहीं पता कैसे है मैं कंफ्यूजन में आ जाऊँगा अगर मैं इस पर गौर करूंगा तो तो मैंने गौर नहीं करना बस मेरा ईमान है कि ये हुआ अच्छा पे ईमान है वो वो क्या है वो उस आयात का तहरीफ शुदा मफहूम है जैसे अल्लाह यहूद के बारे में कहा ना कि वक़द का ना फरीक उम मन हम कि इनमें एक फरीक है यस महूना कलाम अल्लाह अल्लाह का कलाम सुनते हैं सुमय हरफून मा अकलू फिर समझने के बाद उसमें तारीफ कर देते हैं वहम या और वो जानते हैं वो जानते हैं कि वह तहरीफ कर रहे हैं तो ये अंडरस्टैंडिंग इनको डेवलप हो गई फिर इन्होंने उस आयत के मानी बदल दिए जब मानी बदल दिए तो उसके ऊपर ऑब्जेक्शन आ गया भाई अल्लाह की आयत तो ऐसी नहीं है कि वो समझ में ना आए बिल्कुल अब बात समझ रहे हैं अल्लाह ने क्या ऐसा कोई कलाम उतारा है कि आप कहते हैं जी समझ ही नहीं आ रहा अल्लाह ने तो कोई ऐसा कलाम नहीं उतारा कि जो समझ में ना आए ये तो आपने जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप की है उसकी फिर आपने जो सही अंडरस्टैंडिंग थी उसकी अल्लाह की तरफ से फिर आपने उसमें तारीफ की ठीक है? है जब आपने तारीफ की अब उसके ऊपर ऑब्जेक्शन आया जब ऑब्जेक्शन आया तो अब अब कहते हैं मुझे तो समझ ही नहीं आ रही <laughs> मुझे समझ नहीं आ रही मैंने तो ईमान लाना है तो ईमान आप कुरान पे नहीं ला रहे ईमान आप अपनी तारीफ के ऊपर लेके आ रहे हैं जो आपने कुरान में की है जैसा यहूदी कर रहे थे अल्लाह ने कहा कि यहूदियों ने किया लेकिन आप खुद ये कहते हैं कि कुरान माजी के लिए नहीं है वो तो हर दौर के लिए है तो आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो तारीफ कर रहे हैं तो माशाल्लाह आपने साबित कर दिया बिल्कुल कि साबित कर दिया हाँ कि आपने ये ये काम कर दिया। इनकी तहरीफ होती है। से। तो बेसिकली डॉक्टर साहब देखें कि इस किस्म के इनके अफकार और नजरियात हैं अभी आपको हम इनकी एक और वीडियो दिखाते हैं जो आजकल में काफी ज्यादा जो है वो वायरल हुई है आप जो बोलोगे झूठ बोलोगे आप झूठ से जोड़ो उन्होंने समझाया आपको नहीं नहीं आप जाती तौर तो पे मासूम आदमी हैं वो जो आपको प्रोग्रामिंग की है ना वो उतार रहा हूँ उससे झगड़ा हो रहा है मेरा <laughs> मैंने कहा मोहम्मद के साथ कुरान ही दिखा सकते और आज टाइम दे तो जाके दिखा देना वल्लिन आमनु वो आमिन सवालियात जो लोग ईमान लाते और इमले सवाल करते वह आमिन बीमा नुजिला मोहम्मद मोहम्मद पे नाजिल होता रहता है हाँ वह आमिर बीमा नुजिला मोहम्मद और वो ईमान लेके आए किस पे अला मुहम्मद, ना। जो नाजिल किया गया पे का मतलब तो जो नाजिल किया गया माजी मजूल का सीखा है ना जी, जी. माजी मजूल ये पास है ये पास है ये कह रहा है कि नाजिल होता रहता है ये उसको कॉन्टिन्यूस बना रहा है मतलब समझ ही नहीं है ना अब अगले को भी समझ नहीं है कि भाई उसको बताए कि नुजिला जो है अल्लाह ताला तुम्हारे ऊपर रहम करे तुम यहाँ बैठ कैसे गए हो सही बात और मतलब का माना बना दिया। बना दिया। अब बंदा किसी का मुंह तो डॉक्टर साहब नहीं ना सी सकता जो मर्जी आप दे असल में ना डॉक्टर मसला प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस बना दिया चाहे फ्यूचर बना दें सामने वाला जो है उसको भी तो नहीं पता ना। उसको नहीं पता असल जी जी ये देखेंद नहीं वहा रसूल माँ कहना मोहम्मद तुम मर्दो में किसी का आबाजा नहीं है चौदह साल पहले आए तो अबाव उजदा हो जाएंगे अगर मैं कहूँ मोहम्मद सलम चौदह साल पहले आए थे

तो अच्छा अब ऐसे चैलेंज दिए जा रहे हैं कि जी मैं चैलेंज देता हूँ कोई एक आयत दिखा दो कि जिसमें ये बात मौजूद हो कि जी माजी में ये सब कुछ हुआ है माजी में कुरान नाजिल हुआ अच्छा जो आयत पढ़ रहे हैं वल्लिन आमन वाम जी वो आयत है ही माजी की आयत है बिल्कुल नहीं माजी में क्या मतलब डॉक्टर साहब माजी में नाजिल हुआ हूँ देखें ये ये कह रहे हैं ना कि कोई एक आयत भी दिखा दो जिसमें ये चीज़ मौजूद है कि कुरान मजीद माजी में नाजिल हुआ

आदमी कहती है उसके आपने कुरान में लिखा वो किसी के पर्दों आबादाद है ही नहीं लेकिन अल्लाह के रसूल हैं आज भी है इसी वक्त भी है क्योंकि रूल अमीन है जो है जो मोहम्मद तक रहेंगे आदमी कहती है, आपने मार दिया उनको खबर बना दी <laughs> तो मेरा ये स्टेटमेंट है और पूरी दुनिया के सामने बोल रिकॉर्ड हो रहा है आदमी तो सब थे ना सीधे जितने नबी दूसरे में गुजरे हैं थे सब आदमी थे देखो मोहम्मद रसूल की बात हो रही है अब आखिरी नबी का मतलब आखिरी लिखा अल्लाह बल भी और आखिर भी आखिर अरबी में लफ्ज आया तस्दीक करते नबी की मैंने बताया तस्दीक कैसे कर रहे हैं वो भी समझा दी मैंने तो खातम बता दिया अब आखिरी कैसे कह रहे हो आप जो बोलोगे झूठ बोलोगे आप झूठ से जोरों ने समझाया आपको नहीं, नहीं, आप जो, मा, जो इनके अलावा कोई भी वर्जन लेकर आएगा वो झूठ है अब ये, ये अल्फाज ये जरा इसकी जो

वो कहते हैं कि जी असल में उनके ऊपर भी जो है ना वो रसूल नाजिल मोहम्मद नाजिल हुई है अच्छा उनका मतलब जो मैं मैं अभी तक समझ पाया हूँ अरब में एक शख्स थे मोहम्मद बिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अच्छा उनके ऊपर भी जो कुछ नाजिल हुआ वो मोहम्मद था अबू बकर सिद्दीक उमर बिन खत्ताब इनके ऊपर जो भी नाजिल हुआ वो महम्मद था जिसको आप रूहुल अमीन बोल रहे अमीन बोल रहे हैं यही बात वो कहना चाह रहे हैं और वो आए और इस दुनिया से चले गए और हमें उनकी अताात करने की कोई ज़रूरत नहीं है अताात हमने सिर्फ इस कुरान की करनी है देखिए असल में वो ये कह रहे हैं वातिल वा रसूल अल्लाह की अतात करो रसूल की करो तो रसूल तो से मुराद तो ये है कि जो आप रसूल से मुराद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला नहीं है ये ये जो कुरान में पढ़ रहा हूँ जो कुरान मुझे समझ में आ रहा है इनको समझ आ रहा है हाँ क्या मुझे अगर कुछ अगर इनसे डिफरेंट समझ आ जाए तो बस आप उसकी पैरवी करें यानी हर बंदे को जो कुछ समझ आ जाए जो समझ तो इस तरह तो कुरान से आप शिरक निकाल सकते हैं लोगों ने निकाला है जरी बात है अब इसका उनके पास कोई जवाब कुरान से जना तो निकाल सकते तो हैं वो वही बात है कि ना वो बंदा आगे बिदकना शुरू हो जाएगा ना कुरान तो आगे बिदकना शुरू हो जाएगा फिर वो इस बात पर आ जाएगा कि नहीं वो सही नहीं निकाल रहे तो फिर इस बात का क्या पैमाना है हाँ। कि कौन सा सही कौन है, कौन, सही, निकाल रहा है कौन सही नहीं निकाल रहा है ऊपर सही इल्का हुआ है किसके ऊपर गलत इल्का हुआ है किसके ऊपर शैतान का इल्का हुआ है किसके ऊपर रहमान का इल्का तो हुआ तो फिर इन्हें बनाने पड़ेंगे अपने अच्छा एक और इंटरेस्टिंग आयत है डॉक्टर साहब ये इसको भी इन्होंने एड्रेस किया कहते हैं जी मोहम्मद और रसूल जो है ना ना वो पैदा हुए अच्छा ना वो दुनिया से गया वो पैदा ही नहीं हुए तो दुनिया से कैसे चले गए वो तो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की बात आप करते हैं ना मोहम्मद और जिनका कुरान नबी नहीं कौन मोहम्मद बिन अब उसको ज्यादा इन्होंने एड्रेस नहीं किया ज़्यादा उन्होंने एड्रेस नहीं किया खैर अभी इनकी सीरीज आगे आ रही है बातें और खुलेंगी यानी उनको हाँ। उनकी हमारे पर वाजिब ही नहीं है हाँ वो कहते हैं कि रसूल की है और रसूल से मुराद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला नहीं है अच्छा अच्छा अब अब देखिए ये जो बात कही है ना कलब तुम अफाइम अगर वो मर जाए अच्छा इस पर बड़ा जोर देते हैं अगर वो मर जाए तो इसका मतलब है वो नहीं मरेंगे वो मर ही नहीं सकते

अगर हम आफा इम माता का आफा इम इससे उन्होंने इसे दलाल किया ना हाँ अगर जो है ये कंडीशन होती है इसका मतलब होता है कि नहीं कंडीशन हाँ आफा इम माता का माना ये किया है कि जी अगर वो मर जाएँ तो इसका मतलब है वो नहीं मरेंगे इसका ये माना कर दिया अच्छा किसी आलिम के सामने रखेंगे आप कहेंगे यार मैं इसे क्या बात करूँ वो जैसे इमाम शाफी रहम का एक कॉल है वो ये कहते हैं कि मैंने अपनी ज़िंदगी में बड़े मुनाजरे किए है के साथ मुनाजरे में मुझे इतनी मुश्किल पेश नहीं आई जितना किसी जाहिल के साथ उसकी वजह ही होती है आलमी दीन को आप दलील देना तो वो फौरन समझ जाता है और उससे बात करना आसान हो जाती है वो कहता है अच्छा अच्छा ठीक है इसको इस तरह से कर लेकिन एक जाहिल को आप क्या दलील देंगे सही और वो जो दलील दे रहा होता है वो जिस جہالت के ऊपर खड़ी होती है आपको उसको ये समझाना मुश्किल हो जाता है कि अब मैं इसको क्या जवाब दूं इसका अच्छा खैर बहरहाल आ, फिर भी हमने चूँकि ये लोग कुरान का करते हैं तो हम तो अभी तक हमने कुरान की बात की हम तो हदीसों की तरफ गए ही नहीं है वमा जालना बशर मिन कब लिकल कब्लिक हम कुरान से समझते हैं कि अफ़ा इनका क्या मतलब होता है तो अल्लाह ताला ये यहाँ पे कह रहे हैं ये सूरह अम्बिया है आयत नंबर जो है वो थर्टी फोर कि हमने आपसे पहले किसी बशर को हमेशा की ज़िंदगी नहीं दी किसी बशर को अफ़ इमिता अफा इम यहाँ पर आ गया वही वही फ्रेज़ अफ़ा इम मता अगर आप मर जाएँ इसका क्या मतलब आप नहीं मरेंगे <Kristin> आगर आगर मर है। <vodka> अगर आप मतलब है नहीं मरेंगे तो, आगे 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 आगे। Avenue, कि आगे तो वहां पे क्या हो गया आफाइम माता का मतलब कैसे हो गया कि आप नहीं मरेंगे तो फिर इसका भी मतलब कि आप नहीं मरेंगे मर जाए तो इसका मतलब आप नहीं मरेंगे अच्छा इसी तरह आप एक और जगह पे देखें कहा ताला ने इस जगह पे कहा कि अगर शोहर जो है वो अपनी बीवी को तीसरी तलाक दे दे तो फला तहल्लहू तो उसके लिए हलाल नहीं तो उसके लिए हलाल है अगर वो उसको तीसरी तलाक दे दे तो उसके लिए हलाल नहीं तो तीसरी तलाक नहीं देगा आप कहेंगे डॉक्टर साहब क्या बात हम क्या करें कसम से कुरान भरा पड़ा है कुरान भरा पड़ा है इनके खिलाफ इनकी सोच और फिक्र खिलाफ कुरान भरा पड़ा है हम बयान करना शुरू कर दें सात घंटे यहाँ ही गुजर जाए इसकी एक एक बात के ऊपर ऐसा ही है लेकिन अब बात यह है कि एक तो हमारी तरफ से भी कमी कोता ही है मजहबी तबके की तरफ से कि हमने कुरान की तरफ तोज्जो नहीं दी हमारे यहाँ लोग मनतिक पढ़ाते रहे अरबी पढ़ाते रहे उस हदीस या हम ज्यादा से ज्यादा हदीसें पढ़ा ली उन लोगों ने क्या किया उन्होंने कुरान को उन्होंने हम तो कुरान पढ़ाते हैं अब लोगों उनके गिरद जो है वो जम जमा हो गए तो अब उन्हें जैसा तैसा जो है वो आ रहा था कुरान के नाम पर उन्होंने वो लोगों को जो है वो डिलीवर कर आपको कहने का मतलब यह है कि ये तमाम मजामी जो हैं इनकी अहमियत अपनी जगह कुरान को समझने के लिए लेकिन हमें बाकायदा कुरान की वैसी तालीम भी देनी चाहिए जो कि बहुत जरूरी है तफसरकुरफीम के, के तौर पर आम माना के तौर पर उसको एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है एक और दलील दो मुस्कित दलील मेरे पास बड़ी दलीलें हैं मैंने बहुत काम किया अच्छा सारी तो हम नहीं यहाँ बयान करेंगे कभी इनके साथ बैठने का मौका मिले तो फिर हम सारी इन बातें खोलेंगे इन ये देखें सूरह आराफ़ की आयत है 157 अब मा तो खैर इसके ऊपर हंसेंगे आप साहब आप ये क्या कर रहे हैं लेकिन हम हमा को यही कहेंगे कि जी आप ये देखें हम किसको एड्रेस कर रहे हैं इसको देखें जिसको हम एड्रेस कर रहे हैं अलदीन यत्त तबियून रसूल नबील जो लोग पैरवी करते हैं रसूल की कौन सा रसूल जो, जो नबी है और उम्मी है अब ये उम्मी का क्या जवाब <laughs> आप? आप सम... आप तो तो भी है दो मुताजा को जमा कर दिया ना आपने यानी वो रसूल जो आपके दिल पे जिसका नजूल हुआ है वो उम्मीद है वो तो उम्मीद है तो आपको जो है वो कैसे इल्मिल हुआ उससे बिल्कुल बिल्कुल आपको

हमने उनकी बीवियां भी बनाई और औलाद भी बनाई रसूलों की क्या है बीवियां और औलाद तो आपकी अंडरस्टैंडिंग की बीवियां भी हैं औलाद भी जो कुरान की आयत का आपने ऐसा और जोर निकाला है उसकी बीवियां भी आगे उसकी नस्ल भी है अब क्या करेंगे

जो अहादीस का इनकार करते हैं कि अदीस की कोई हैसियत नहीं कोई वैल्यू नहीं हमने उसको मानना नहीं ये हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है ज्यादा से ज्यादा ज्यादा से ज्यादा उसको इज्जत जो देते हैं वो हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट की दे देते हैं तो अगर हम उनसे बोले अच्छा आप सिर्फ कुरान ही को मानते हैं अगर वो कहेंगे यस तो वो उसका भी सही दिफा नहीं कर पाएंगे ऐसे ऐसे ही ही फिर कुरान ही उनके खिलाफ चला जाता है ऐसे ही कुरान ही को वो सही तौर पर एक्सप्लेन नहीं कर सकेंगे अंडरस्टैंड नहीं कर सकेंगे सही बात

अच्छा ये बहुत वाजे आयत है जी ये सूर्य बकरा की आयत है अल्लाह ताली कह रहे हैं जाकुम रसूल अफकमा जाकवा मुस्तकबर तुम जब भी तुम्हारे पास कोई रसूल आया और वो आयात और वही जो तुम्हारे जी को नहीं भाई तो तुमने तकबर किया यहूद की बात हो रही है व फरीकन का जब तुम रसूलों के एक फरीक को तुमने जुटला दिया व फरीकन तक तुलून कतल कर दिया और रसूलों के एक फरीक को एक गुरोह को तुम कतल करते रहे

और अफरा जो मुनकरन हदीस हैं और जो आपके पास आके चैलेंज करते हैं कि जी हम तो सिर्फ कुरान को मानेंगे कुरान की रोशनी में बात कीजिए मैं ये समझता हूँ कि वो किस कुरान की रोशनी में भी बात नहीं कर सकते नहीं कर सकते मतलब जिसने थोड़ा बहुत कुरान पढ़ा है ना आ, हाँ नहीं नहीं बैठ सकते नहीं बैठ सकते आम आवाम जो अरबी ज़ुबान से भी वाकफ़ नहीं है नहीं। ये गलत तर्जुमे करके जो मर्जी उनके सामने बोलते रहे उनको आ, बात है। उनको उनके ऊपर मरूब करें वो हो सकता है लेकिन देखे ना कई जगह उन्होंने छोटी गलती अगर तो जान बूझ के नहीं करे तो इसे बड़ी जालत कोई नहीं है देखे ना अगर तो जानबूझ के कर रहे हैं तो तहरीफ और अगर जानबूझ के नहीं कर रहे तो फिर जहल दर तो जहल तो फिर उनको इस मनसब पे नहीं होना चाहिए उनको चाहिए कुछ पहले सीख लें फिर मैदान में आए है डॉक्टर साहब मेरे पास ना बहुत अभी मटेरियल पड़ा है और ये इस कुरान की स्क्रीनें मैंने खोली हुई हैं लेकिन अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है चला किसी और वक्त हम टाइम निकालेंगे और करेंगे। कोई और एपिसोड बनाएंगे लेकिन अभी ये सिर्फ उन लोगों के लिए कि जो इस फितने से कोई थोड़ा बहुत मुतासर हो रहे थे तो हमने उन्हें थोड़ा सा एक कुछ दिखाया तो हम यही कहते हैं कि आप अहले इलम से कुरान सीखें और आपको वाक़ता इलम मिलेगा भी बिल्कुल मैं ये समझता हूँ डॉक्टर साहब आज जो हमारी इस एपिसोड करने का मकसद है वो मोहम्मद शेख से ज़्यादा उन लोगों से मुतल है जो बहुत जल्दी मुतासर हो जाते हैं तो हम उन लोगों को यही कहेंगे कि अगर आप मुतासर होते हैं तो यह इस बात की इंडिकेशन है कि आपके अंदर दीन की तलब है मोहब्बत है जो कि बहुत अच्छी बात है लेकिन अगर आपने दीन सीखना है तो उन लोगों से सीखिए जो दीन को जानते हों किसी से पढ़ा हो कहीं से सनद याफ्ता हो और मतदल हो इन दो चीज़ों को मलहूज़ खातर रखिए और ज़रूर सीखें इस दीन को ये अल्लाह ने आप ले आप लोगों के लिए ही उतारा है तो मतलब प्लीज डोंट गो टू क्वैक्स मैं यही कहूंगा कि आप क्या अपनी मतलब ये जो जितने लोग बैठे हुए हैं मोहम्मद शेख साहब के सामने मेरा ख्याल है कि इनमें से कोई भी दवाई लेने नहीं जाएगा अगर इनको पता चल जाए कि वहां से जेनवन दवाई नहीं मिलती नहीं। ये अपनी बच्ची का बेटे का या अपना सर्जरी नहीं करवाएंगे कि अगर इनको पता चल जाए कि सर्जन जो है जाली है तो फिर दीन क्यों ऐसे लोगों के पास जाके लेते हैं जो कुरान पढ़ना नहीं जानते देख के हाँ, देख के पढ़ना नहीं देख के गलत पढ़ रहे हैं देख के गलत पढ़ते हैं तरजुमा नहीं जानते अरबी जुबान पे कोई नहीं है तो क्या क्या आपने दीन को क्या समझा हुआ है? अगर आपने इसी तरह से दीन सीखना है तो आप ऐसा करें कि आपकी गली में जो रेडी वाला खड़ा है ना उससे सीख लीजिए हाँ उसे कुरान पकड़ा के उसे यार मुझे सिखा दो बिल्कुल सिख मतलब आप अच्छा जवाब में ये लोग क्या कहते हैं जी वो जी ठीक है आपको हर वक्त कुरान गलत पड़ता है तो भाई गलत पढ़ना और फिर ये अरबी भी नहीं ओ जी है अरबी नहीं सीखी हुई तो क्या मतलब कुरान ही बयान कर सकता तो फिर रेडी वाले को पकड़ लो ना बिल्कुल ऐसे ही उसको भी पढ़ना नहीं आता तो उससे आप किसी में जॉब देंगे जो क्वालिफाइड नहीं क्वालिफाइड नहीं है तो इस तरह दीन की भी तो कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं उसको हम किस तरह नज़रअंदाज कर सकते हैं ऐसे ही तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि मोहम्मद शेख जैसे लोगों से ज़्यादा उन लोगों के ऊपर अफसोस है जो इनके पास जाते नहीं, हैं असल में वो लोग ये भी कहते हैं ना जी ये ओलमा ने अजारा दारी भाई अजारा दारी नहीं है बात यह है कि एक वक़्त था जब ठीक है उस तरह से अगर मदारस नहीं थे तो मेडिकल कॉलेज भी नहीं थे फिर हाँ आप हाँ, फिर अगर हज़ार साल पीछे जाते हैं ना तो कोई मेडिकल कॉलेजेस भी नहीं थे लेकिन इसके बावजूद तिल तिब का एक शोबा था सेक्शन था लोग अतिबा या हुकमा या अतिब्बा जो भी जो भी हर, हर में, में।, में भी अगरचे मदरसे नहीं थे आप यूँ कहें हजार साल पहले ठीक है दरसे निजामी नहीं था लेकिन इसे लोग अजा से जाके सीखते थे इमाम वनीफा इमाम मालिक इमाम शाफी आमाय दीन ने ता, तबाता से सीखा तबाता ने, ने ताबीन से ताबीन ने फिर साहबा से साहबा ने अल्लाह के अल्लासम से तो ये चल सो चल है एक चेन है चली आ, आ रही है दीन का इलम जो है एक तसलसल से आगे नकल हुआ है हम तक पहुँचा है अब आप उस सारी चेन को तोड़ के आप कहते हैं कि जी आज ये ऐसी है जैसे मेडिकल साइंस पिछले 600-700 साल से जो चली आ रही है उसको तो साइड पे रखो आज आके जो मैं ना आपको बताता हूँ सर्जरी क्या चीज़ है ऐसा नहीं हो सकता मतलब अगर हम देखें Uh, मेरा ख्याल है एक पाकिस्तान में जो मेडिकल कॉलेज है किंग एडवर्ड सबसे पुराने एफ, है। अगर किंग एडवर्ड से पहले यहाँ पर क्या लोगों का इलाज नहीं होता था होता था ना पुराने दौर में 200 साल पहले पाँच सौ साल हा, पहले हा। अगर इस तरह के आज के दौर के लिहाज से मेडिकल कॉलेजेस नहीं थे लेकिन उस जमाने में भी तभी वो अपने इस के पास जाके या जो भी उनका सिस्टम था उनसे सीखते थे उस दौर के लिहाज से वो भी सर्टिफाइड होते थे इलाज करते थे चाहे वो इंजीनियरिंग थी चाहे वो कुछ भी था तो हर शोबा ज़िंदगी में इस मौजूद थे उनसे सीखा जाता था और इल्म यूँ तसलसल के साथ चला आ रहा था अब आप ये कह लें कि आप प्रोफेशनल शक्ल में आ गया है तो आ, लेकिन दीन के लिए अंदर भी हम दरख्वास्त करेंगे तमाम लोगों से कि आप ज़रूर दिन सीखिए लेकिन किससे जिसको कुछ आता होता और वो मुतदिल हो हम बार बार इस पर जोर दे रहे हैं ही है डॉक्टर साहब जैसे आजकल दस्तकारी के स्कूल्स बन गए इससे पहले नहीं थे लोग घरों में करते थे आ, लोग घरों में सीख लेते थे जैसे किसी की अम्मा को स्वेटर बुनना आता था तो उसने अपनी अम्मा से सीखा ना जी, जी, जी। ऐसे तो नहीं कि खुद जी, ही आ गया जी जो की सिलाई वगैरह है सिलाई अगर उसने किसी ने सीखी है तो कोई दर्जी है उसने अपने उस्ताद से सीखा इवन के कोई मतलब किसी का हेयर सैलून है ठीक है वो बाल काट रहा है लोगों को उसका कोई उस्ताद है ना उसने ट्रेनिंग ली है ठीक है।, है कोई वहाँ वर्कशॉप पे बैठा है आपके इवन के टायर को पंक्चर लगा रहा है उसका भी उस्ताद उसका भी कोई उस्ताद है ठीक है उसने भी कहीं वर्कशॉप में तालीम पा अगर किसी उसने उसमें चलें कोई उसने स्कूल कोई इदारा कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन ना भी किया हो हो कोर्स ना किया तीन चार साल का डिप्लोमा नहीं किया लेकिन कोई उस्ताद है जी जी बिल्कुल कोई वर्कशॉप है जहाँ इसी तरह दीन की वर्कशॉप है हम नहीं कह रहे कि आप जरूर जाके फलाम मदरसे में ही आठ साल लगा के उसी मदरसे से ही सर्टिफिकेट हासिल करें तो आप सर्टिफाइड आलम दीन हैं हम असल में ये बात कर रहे हैं कि उस्ताद होना चाहिए वो उस्ताद जो फिर अपने असाजा से जिन्होंने इल्म हासिल किया उन्होंने अपने इस ये नसल दर नसल जैसे एक हर इन चला आ रहा है हर इल्म की एक सनद है हर हर इल्म की सनत फिजिक्स में आप ये नहीं कह सकते मैं न्यूटन आइंस्टाइन ओ परे करो यार इनको ये कौन होते हैं मैं आज आपको बताता हूँ फिजिक्स क्या होती है ओ और और ये फलां उसको जो है वो आप योंग को साइड पे रखो मैं बताता हूँ आपको नफसियात क्या होती है कोई भी आपकी बात नहीं सुनेगा हाँ लेकिन लोग मजहब में क्यों बात सुन लेते हैं ऐसे आदमी की ये बात समझ में नहीं आती ये शैतान कि इन इनम की मॉडर्न साइंसेस की तारीख भी चार पांच सौ साल पुरानी नहीं है और ये तो चौदह सौ साल की तारीख है इलमी दिन उसको साइड पे रख देते हैं जिसकी 200 सौ साल तारीख भी नहीं है उसको कहते हैं कि जी नहीं उसके बगैर आप बात ही नहीं कर सकते बिल्कुल ही है मतलब कोई शख्स मेरा नहीं ख्याल के अगर आप फिजिक्स में यह कहें न्यूटन को साइड पर कर दें वो मेरा ख्याल है कि कॉलेज में दाखिल भी होने देंगे तो मतलब यह है कि हम कुरान समझने की बात कर रहे हैं तो कुरान पहली मरतब आपने समझा है मतलब क्या पहली मरतब आपने समझा ये अकल अल्लाह ने आपको ही दी थी क्या और लोगों के पास चौदह सदियों में किसी के पास अकल नहीं गुजरी किसी को कुरान समझ नहीं आया <laughs> आपसे अकलमंद कोई भी नहीं था या किसी ने सिंसेरिटी से कोशिश ही नहीं की तो मतलब खुदा ने सिर्फ एक बंदे को कुरान समझाना था मोहम्मद शेख को ये कहना चाहते हैं आप जब अल्लाह ने एक बंदे को नहीं समझाना था एक से ज्यादा को समझाना था तो जो भाई मुझे समझ में आ रहा है ना जो मुझे समझ में आ रहा है वो तो फिर यही समझ में आ रहा है कि आप एक फितना है मुझे तो कुरान यही समझ में आ रहा है कि आप एक फितना है मेरे दिल पे जो इल्का हो रहा है ना जो नजूल हो रहा है कुरान का वो तो ये है कि मोहम्मद शेख तो फितना है ऐसा ही है ठीक है तो मुझे तो इसी की तात करनी है फिर आप ये कह रहे हैं ना कि आप रसूल की तात करें रसूल से मुराद वो मफहूम है जी। जो आपके दिल पर कुरान पढ़ते हुए नाजिल होता है तो मैं तो जब कुरान को पढ़ता हूँ तो मुझे तो वहां जितनी आयात हैं ये जो आज हमने पढ़ी हैं

ऐसे सी है है मतलब कोई जवाब नहीं है। हमने आपको बताया ना बहुत सारी जगहों पर लाजवाब है बंदा कोई जवाब नहीं है उसके पास यानी वो एक आमी आदमी का सवाल है किसी आलमी दीन का भी जी नहीं। जी। वो सिर्फ ये है कि वो मुफ्ती असल में कमजोर था मेरे ख्याल में जिसकी वजह से गुड्डी चढ़ गई या उनकी तैयारी नहीं हाँ तैयारी नहीं थी बस असल में बात यही है मुझे तो डॉक्टर साहब शायद कोई मसला भी लगता है चले <laughs> अभी हमने काफी गुफ्तगु कर ली लोग कहते हैं बहुत से लोगों ने मुझे कहा है कि आप जरूरत भी नहीं है ये बातें सुन के ही ऐसे लगता है जैसे मतलब क्या है कोई स्टूबिलिटी है कोई बेवकूफ़ी है क्या क्या बंदा इस पर गुफ्तगु करे कि जी मोहम्मद और जो है वो कोई पर्सनैलिटी नहीं है कोई शख्सियत नहीं है मोहम्मद बिन अब्दुल्ला कोई और है क्या बेवकूफ़ी बिल्कुल 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 ये तो हिस्टोरिकली

लॉजिकली देखा जाता है कि ये आई कहां से ये बुक कहां से आई फिलहाल क्रिस्ट, मतलब क्रिश्चियंस के पास बाइबल है अगर हम उनसे पूछे बाइबल कहाँ से आई वो आपको पूरी एक चेन बताएंगे ऐसे ही हिंदू बताएंगे उनके पास रामायण कहां से आई तो किताब तो लिखी हुई है ना हमारे पास लिखी हुई मौजूद तो है हमारे पास ये जो किताब लिखी हुई है बुक फॉर्म में है ये कहां से ये से आई आई है किधर आखिर इसका कोई ना कोई वो जो कह रहे हैं ना, ना कि हाफजे हाफजे में में वो में से याद किया ना आपका ऑब्जर्वेशन यही बता रही है ना कि हमने हाफजे ये लिखी हुई से याद किया लिखी हुई कहाँ से आ गई लिखी हुई कहाँ से आ गई हाफजों ने तो यहाँ से याद किया आज भी हाफिज कहाँ से याद कर रहे हैं हाफजे से थोड़ा याद कर रहे हैं वो तो कुरान कोल के याद कर रहे हैं लिखी हुई से याद वो लिखी हुई कहाँ से आ गई जो हाफजे की भी असल है असल में वही बात है कि कोई सर पैर नहीं है बस सर पैर नहीं है बस जो बात मुंह में आए ना बस उसको जिसे कहते हैं बक दो बस <laughs> उसकी वजह यह है कि आप एक ब्रांड हैं आप एक आइकन है जो आप बक देंगे लोगों के नज़दीक वो बड़ी जो है ना वो इंटेलेक्चुअल थाट बन जाएगा बस ये सोशल मीडिया का यही फितना है हमारे इस तरफ तवज्जो नहीं देते सही बात यही है बाज़त इंसान देखता है कि जी अब ऐसे लोग हैं आ, वो आम होते चले जा रहे हैं और जिनके पास इल्म है सही बात ये डॉक्टर साहब वो आते नहीं या अगर हमारे जैसे आ भी जाए ना सही बात है हमें डराने वाले ज्यादा होते हैं आप साहब यहाँ आगे हैं बड़ी रियाकारी है हम सोशल मीडिया पे गुफ्तगु कर रहे हैं और सही बात है हम डर भी जाते हैं कई दफा मैं सोचता हूँ यार छोड़ ही दो वहा साहब आप ना करें किन कामों में पड़ गए हैं ये रद्द करते करते ये मतलब इंसान में अना अनानियत आ जाती है ये हो जाता है रियाकारी पैदा हो जाती है आपकी फॉलोइंग बढ़ जाती है नफ्स के मसाइल पैदा हो जाते हैं वो सिंसेरिटी से कह रहे होते हैं टी से कह रहे होते हैं हम भी अंदर से डर जाते हैं यार हम भी कोई आके यहाँ पे गुनाह तो नहीं कर दिया तो बात यह है कि जो डरे ही है, हुई हुई है उन्हीं को हमारे डरा रहे हैं <laughs> जो पहले ही बेचारे डर रहे हैं तो उनको डरा के तो आप वो मैदान सारा खाली छोड़ते हैं। उनका मशवरा अपनी जगह एक तरीके से दुरुस्त ही हाँ, होता है दुरुस्ती वो है। रियाकारी है। के रेकारी में देख रहे होते हैं लेकिन ये मैदान मुख्तलिफ है और ये वक्त की जरूरत है इसमें हम ये कहते हैं कि किलमा को आना चाहिए हमारे जैसे तो खैर अब क्या हमारी तो कोई उलमा के सामने वैसी हैसियत नहीं है लेकिन उलमा को आना चाहिए सोचना चाहिए जी उलमा को चाहिए कि इस मैदान को अपनाएं इसमें आएं इसमें आगे बढ़ें और ये वक्त की ज़रूरत है देखें आज आप जंग तलवार से नहीं कर सकते तीर से नहीं कर सकते आ, हर दौर में जंग के हथियार जंग जंगों की हमत अमलियाँ चेंज होती हैं तो इसी तरीके से पुराने ज़माने मेंामा कुछ दुरुस्त रखते थे कोई किसी किसी एक एक दिन रख लिया, कभी किसी खास दिन रख रख लिया, लिया, कभी खास आज में, में, कल दूसरी में, यही तरीका कार था। लेकिन अब ऐसे नहीं है अब, अब हर। एक मस्जिद में कितने लोग आते हैं जी जुमा की खुतबा आपके कितने लोग सुनते हैं अभी आप एक वीडियो यूट्यूब पे जो है वो आप चढ़ा दें मतलब मेरे ही जुमे में जो मेरे पीछे जमा पढ़ने वाले होंगे कितने लोग होंगे मैक्सिमम आप लें आपके मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ा एक हजार डेढ़ हजार लेकिन मैं एक वीडियो डालता हूँ पचास हजार लोग देख लेंगे ऐसे ही है।, ठीक है ठीक अगर कोई अच्छा यूट्यूब चैनल वही मेरी वीडियो डाल देता है पांच लाख लोग देख लेंगे कहने, ही है। कहने का मकसद ये है कि यहाँ वो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है सारी दुनिया तो यहाँ बैठी है अल्लाह के ने बाजारों में जाके तबली असल में बाजार तो अब ये यूट्यूब सोशल मीडिया सोशल मीडिया फेसबुक है जी बिल्कुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज के मौके पे जाके तबलीग करते थे दावत का काम करते थे तो मेरा ख़्याल है उससे इस्तदाल करना चाहिए मस्जिद में कितने लोग आएंगे या वैसे आप कोई दुरुस वगैरह के जो हलके हैं उसमें कितने लोग और तौर पे इसमें वो लोग आएंगे जो ऑलरेडी मज़बी लोग हैं लो, लो, तो आप दूसरा वो जो दूसरी पब्लिक है जिन तक आपने पैगाम पहुँचाना है जिनमें हर बच्चे और बच्ची के पास मोबाइल है मोबाइल के अंदर व्हाट्सअप है फेसबुक है इंस्टाग्राम है ट्विटर है और ये आपके है। ये ये ऐसे, आपके ऐसे। है, मार्केट है, बाजार और और फोन तो नहीं करते वो फौरन गूगल करते हैं यूट्यूब से कोई चीज मिले वो वहां दीन ढूंढ रहे हैं मौजूदा दौर तो के हम वहां दीन फेंक ही नहीं रहे मौजूदा दौर के हथियार मुख्तलि ये भी एक हथियार ये प्रोमोशनल टूल आपका ये होना चाहिए अच्छा दूसरी बात कुछ होते हैं आपके YouTube पे लेक्चर्स जो हैं लंबे वो इल्मी हलकों के लिए तो ठीक हैं अब ये आपके जो डिजिटल मार्केटिंग की जो आपकी टीम है ये अब उसकी जिम्मेदारी है कि आप तीन मिनट चार मिनट के छोटे छोटे जो ख़ास खास, -खास पॉइंट्स हैं उनके जो है क्लिप्स बनाएं। क्लिप्स बनाएं जो आम तौर पे चलते फिरते रात को सोते हुए नौजवान नस्ल ब्राउज़ करती है देखती है तो ये एक नई फील्ड है डॉक्टर साहब ये देखें ना अगर आज हम दुश्मन से लड़ने जाएँ और हमारे हाथ में घोड़ा हम घोड़े पर सवार हो और हमारे हाथ में तलवार हो तो हम तो कुछ भी नहीं कर सकेंगे वो तो 25 मील दूर बैठे फायर करेंगे और हमारा काम तमाम हो जाएगा ऐसे सिर्फ हथियार मुख्तलिफ नहीं है लड़ने के तरीके ही मुख्तलफ हैं तो अब आपको अगर मुकाबला करना है शयातीम के साथ या जिन लोगों में उन्होंने वसफसे डाले हुए हैं तो आपको अपनी स्ट्रेटजीज चेंज करनी होगी ऐसे तो इन श्ल मैं बहुत बहुत डॉक्टर साहब आपका शुक्रिया आपने वक्त दिया हमने बड़े ही अहम मौजूद के ऊपर गुफ्तू की और मैं एक दफ़ा दो दोबारा नाजरीन को ये बताना चाहूँगा कि हमारा ये प्रोग्राम करने का जो मकसद था एक तो मोहम्मद शेख साहब से मुतल भी था दूसरा अवास से मुतल था कि आप दीन को सीखिए बहुत अच्छी बात है लेकिन किन लोगों से सीख रहे हैं आप जिनको कुरान देख के पढ़ना नहीं आता जिनको कुरान का तर्जुबा नहीं आता तो आप कुरान ज़रूर पढ़िए कुरान सीखिए लेकिन उन लोगों के साथ उन लोगों से सीखिए जो इस दीन को समझते हैं और मतदिल हैं जजाक लखैर इन अगली दफ़ा किसी नए मौजू के साथ आपसे मुलाकात होगी अल्लाम आलैक्म वरहल वर्का